वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आप सब ठीक हो? जी मैडम, आप हाँ, भी? ठीक ठाक। तो चलो, अच्छी बात है, हमारे बड़े कैंडिडेट पास हुए हैं एग्जाम में। इट वाज रियली गुड। और जो नहीं भी हुए, आई वांट के आप लोग आओ और शेयर करो अपने एक्सपीरियंसेस। ये सबको भी हेल्प करेगा, आपको भी अपने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने का ज्यादा मौका मिलेगा। और दूसरा ये कि वी ऑल नो कि जिसका पास नहीं होता उसका इंशाल्लाह अगले में हो जाता है पास। और ये सारी ये ग्रूमिंग और ट्रेनिंग का पार्ट है, सो बिल्कुल दिल पे नहीं लगाना। एंड यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग एंड यू नो कीप ऑन पुटिंग इन बेस्ट, ताकि आपका इंशाल्लाह हो जाए। सो गुड। किसी ने कोई कमेंट, कोई एक्सपीरियंस, कुछ बताना है, कुछ ऐड करना है तो बताएं। किसी का जिसका पास नहीं हुआ वो कुछ शेयर करना चाहे, जिसका पास हो गया है वो कुछ शेयर करना चाहे, कोई गाइडेंस किसी को देना चाहे, यू मोस्ट अस्सलाम वेलकम। वालेकुम सलाम। वालेकुम, मैं डॉक्टर यास्मीन मैम, थैंक यू सो मच। हाँ, मेरा क्या पास हो गया हाल था, यास्मीन? आप ठीक हो? पास हो गया है ना? अलहमदुलिल्लाह माशाल्लाह, जी मैम, थैंक यू सो मच। मुबारक हो। आपने किया था, मैं लेकिन मैं चाह रही थी कि आपको ऑनलाइन भी थैंक यू कहूंगी। नहीं, थैंक यू की क्या बात है। मैं तो यही कहूंगी कि इट्स योर एफर्ट मोस्टली। मैं तो रास्ता दिखा रही हूँ और उस रास्ते को देख के अपनी फुल हार्डवर्क तो फिर आपका ही है ना। जी मैम, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इतना कोऑपरेट डिस्टर्बेंस हो रही है? हाँ नहीं, चलो दैट्स ग्रेट कि आप एक्नॉलेज कर रहे हो। बट ये है कि बहुत मुबारक, कोई एडवाइस, कोई सबको कुछ तो प्लीज आप बताओ, कोई अपना एक्सपीरियंस, कोई कुछ सबको बताना है तो प्लीज करो आगे। मैम। मेरे केस में मैं बस अपनी पार्टनर के साथ ही पढ़ती थी, और घर पे हो कॉल पे पढ़ लें या फिर वार्ड में जाकर अच्छा, पढ़ते थे। हाँ, और हफ्ते में 2 दफा हम पेशेंट्स जरूर देखते थे। जो भी हमने पूरे हफ्ते पढ़ा वो सारे तीन तीन वार्ड के सारे पेशेंट्स देख लेते थे ना, और वही हिस्ट्री टेम्पलेट जो हमने गाइडलाइन से पॉइंट्स मतलब पढ़ी हैं, वही हिस्ट्री टेम्पलेट डिस्कशन करते थे कि अगर इस किस्म की कोई पेशेंट आ जाए। लाइक हमने हेडेक इन प्रेगनेंसी पढ़ी है, तो इमरजेंसी में अगर कोई ऐसी पेशेंट आ गई हेडेक की, तो उसी पे अप्लाई कर दिया कि इस पे हम, अगर नहीं है ऐसी कोई पेशेंट तो हम एक दूसरे से पूछ लेते थे सिनेरियो बना के। तो इस तरह से प्रैक्टिस है हमारी। एक बड़ा अच्छा आइडिया अभी डॉक्टर यास्मीन ने भी बताया है, बिकॉज हमारे वक्त इतना ज्यादा जूम और शायद ऑनलाइन चीजें हम नहीं यूज कर सकते, वो ट्रेंड नहीं था। अब ये बड़ा ट्रेंड है, यू डोंट नीड टू सिट टुगेदर, आप जूम पे या ऑनलाइन थ्रू आउट कॉन्टेक्ट में रहो। और हमारे हम लोगों को तो डेली जाके बैठना पड़ता था और मिलकर करना पड़ता था। अब आप घर से करके और फिर 2 दिन या 3 दिन रख लो हफ्ते में, एंड यू कैन गो टू द वार्ड्स, और वो सारी जो नॉलेज है वो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी दिन आप ऑनलाइन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रह सकते हो। उसके अलावा ये भी है कि मतलब ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी आसानी है, और बड़ी अगर जो समझ गया हो कि यास्मीन ने क्या टिप दी है, ये बहुत बड़ी टिप है मैं बताऊँ मतलब। और आई थिंक कि जितनी भी मेरी प्रेपरेशन से रिलेटेड, सॉरी मैं आपको म्यूट कर रही हूँ सबको, मेरी जितनी भी प्रेपरेशन से रिलेटेड वीडियोस हैं उसमें भी मैंने कहा हुआ है कि जैसे हाउ टू प्रिपेयर, मैं सबसे पहले घर बैठ के अपने हिस्ट्री के पॉइंट्स क्लियर करो हर हर टॉपिक के। बिकॉज एक पेशेंट में एक चीज नहीं होगी, उसके अंदर हेडेक भी हो सकता है, उसके अंदर अस्थमा भी हो सकता है, और फिर उसके अंदर अनिमिया भी हो सकता है। सिमिलरली एक पेशेंट कैन बी मल्टी ग्रेविडा विद वेरी बैड ऑब्स्ट्रक्शनल हिस्ट्री विद हेडेक, यू नो देर कैन बी एनीथिंग इन एनी पेशेंट। लेकिन जब आपने अलग अलग हेडेक का, बैड ऑब्स्ट्रक्शनल हिस्ट्री, हर चीज का अगर अलग अलग आपने प्रिपेयर किया होगा, तो आप वो सारा मिलाकर एक पेशेंट पे अप्लाई करोगे। बिकॉज एग्जाम में भी और रियल लाइफ में भी ये कोई चीज इस तरह से नहीं है कि कोई आपको लेट गो कर देगा कि यू नो यू आर मिसिंग सम पॉइंट्स फ्रॉम द हेडेक हिस्ट्री और यू आर मिसिंग सम पॉइंट्स फ्रॉम हाइपरटेंशन या बैड ऑब्स्ट्रक्शनल हिस्ट्री। तो आपको हर हर पॉइंट को याद रखना है, तो अपना घर में होमवर्क करो। यू शुड नो नॉट ओनली फॉर हिस्ट्री, इट्स फॉर हिस्ट्री एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड एवरीथिंग। अपना आप होमवर्क करो, कंसिडरिंग ऑल द हिस्ट्री पॉइंट्स फॉर ऑल द पॉसिबल कंप्लेन्ट्स दैट अ पेशेंट कैन हैव, एवरीथिंग रिलेटेड स्पेसिफिक एग्जामिनेशन रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक टॉपिक एंड इन्वेस्टिग सिमिलरली स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड देन द मैनेजमेंट प्लान। एंड वेन यू गो टू द वार्ड,
जब आप पूरा एक वार्ड के पेरी सारे कवर कर रहे हो एंड देन यू सिट डाउन एंड देन यू डिस्कस दोस पेशेंट्स, बिकॉज आपको लाइव पेशेंट्स भी चाहिए क्योंकि कुछ भी किसी भी पेशेंट में हो सकता है, ये एक अनलिमिटेड ही कह लो कोर्स हो गया ना, तो व्हेन यू यू सिट इन यू सिट टुगेदर और वो सारे पेशेंट्स जब आप डिस्कस करोगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि एग्जाम में जाके आप वही चीज फेस कर रहे होते हो यू नो। और आपने जब दो तीन लोगों ने मिलके डिस्कस किया होता है, स्पेशली जो एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं उनके पास तो इतना लेटेस्ट नॉलेज होता है और इतना कुछ होता है डिस्कस करने के लिए कि जब आप एग्जाम में बैठ के वही बातें बोलते हो एग्जामिनर के सामने तो लिटरली वो बहुत डिफरेंट होती है फ्रॉम द अदर कैंडिडेट्स। सो दिस इज एक्चुअली हाउ यू प्रिपेयर। यू कैन नॉट प्रिपेयर एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन, आप एक अलग अकेले तैयारी नहीं कर सकते, नंबर वन। नंबर टू, जब घर में भी करो, एक या दो या तीन घंटे रखो, चाहे ऑनलाइन अपनी किसी दोस्त के साथ डिस्कस करो जूम के ऊपर या यू नो व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे या किसी भी तरह, सो दैट यू शुड सिट टुगेदर फेस टू फेस एंड देन डिस्कस मेनी टॉपिक्स। कोई एक प्रेजेंट कर दे कोई नहीं, और जब आप सारा दिन का हिस्ट्री और सारा वर्क करके हफ्ते में दो या तीन दिन रख लो कि आपने लाइव पेशेंट्स देखने हैं, एंड आई थिंक यस्मीन इज राइट बिकॉज आपको एक वार्ड में एक वेराइटी ऑफ पेशेंट मिल जाते हैं, ऑप्स के भी गाइनी के भी, 2 दिन भी रख सकते हो 3 दिन भी रख सकते हो, सुबह से शाम तक वो करो और बैठो और डिस्कस करो वो पेशेंट, और वो एक तरह से आपकी प्रैक्टिस होगी जो आप घर में होमवर्क कर रहे हो। तो दिस इज अ वेरी गुड टिप आई थिंक। थैंक यू जी। किसी ने कुछ और अस्सलामुअलैकुम ऐड करना मैडम है, यस्मीन आपने कुछ कहना है? जी वालेकुम सलाम। जी। मैडम मेरा भी मतलब एग्जाम मैंने दिया था, मेरा नहीं हुआ हो पाया था। उसमें एक ठीक है। पेशेंट था हमारा, गायनी का केस था। तो मैडम उसमें मल्टीपल रिस्क फैक्टर, बहुत रिस्क फैक्टर थे। मतलब उसने उसकी हिस्ट्री थी कि उसकी टीएच हुई है, ठीक है, और हिस्ट्रेक्टमी हुई है, और बीएसओ का उसने नहीं बताया था। मैंने भी वहां डिग आउट नहीं किया, मुझे वहीं पूछना चाहिए था। तो उसने मुझे ये कहा कि मुझे ये कंप्लेन है कि मतलब ना मुझे अल्ट्रासाउंड में रसौली बताइए और मुझे पेशाब में मसला हो रहा है। इससे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस थी, अर्ज इनकॉन्टिनेंस थी, यूटीआई था, फिर सारे प्रेशर सिम्टम्स ना मैंने डिग आउट कर लिए थे। तो उसमें मतलब ये था कि कोलिसिस्टेक्टोमी की हिस्ट्री भी थी, ठीक है, और आई की सर्जरी भी हिस्ट्री थी, हाइपरलिपिडिमिया थी, नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन, नॉन केस ऑफ डायबिटीज, नॉन केस ट्रीटेड केस ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस, ट्रीटेड केस ऑफ एस्थमा, मतलब सारे रिस्क फैक्टर थे। तो मेरा मेरा मतलब टाइम उसमें ज्यादा चला गया, तो मैं हिस्ट्री प्रेजेंट नहीं कर पाई थी। तो मतलब ऐसे केसेस को हमें कैसे टैकल करना चाहिए? मैं अभी बताती हूँ, 1 मिनट, मेरा ना फोन बज रहा है, मजरा बंद। जी। नदिया माचिस को लेके आज तो पेट में दर्द, नहीं करो, नहीं नटों से काम रखो। जो ना देख सक माचिस ले करो जो। इबा नहीं करो यार, इबा नहीं खा दुआ, दुआ 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 नहीं खा दुआ, जो जामिन मत कर तुम, देखो अच्छा ओके सॉरी। हाँ जी, अच्छा बड़ा अच्छा सिनेरियो भी इन्होंने बताया है, मैंने इसके पॉइंट सारे लिखे हुए। अच्छा सो यस, अच्छा देखो सबसे पहली बात मैं बताती हूँ, अब आप लोग जाहिर है देयर विल बी वेरी मेनी न्यू कैंडिडेट्स आल्सो, वो हम आहिस्ता आहिस्ता बड़ा कुछ कवर भी करेंगे, और आप लोग अब पिछले लेक्चर्स में भी है, बट आई नो कई दफा लाइव क्लासेस में जब आप करते हो तो आपको बड़ा कुछ आता है। अगर इस सारे में इफ यास्मीन इज स्टिल हियर, इफ यू वांट टू से समथिंग एल्स, आपने कोई एडवाइस और देनी हो प्लीज मोस्ट वेलकम, और अगर कोई और भी पासिंग कैंडिडेट है तो प्लीज मुझे बीच में इंटरप्ट करके बोलो, या इफ यू वांट टू लीव अर्ली तो आप प्लीज पहले अपनी बात सारी कर लो एंड देन वी कैन प्रोसीड विद द क्लास। कुछ और कोई कमेंट कुछ और? तो आई एम रियली मैं एक ग्लैड और यू बात जॉइन। ऐड करना चाहूंगी कि जी जी पार्टनर जो है ना, वो बहुत जरूरी है। मैं अपनी पार्टनर की वजह से ही पास हुई हूँ,
तो उसमें वो आपकी मिस्टेक्स बहुत बहुत इजीली निकाल सकती है, मतलब वो आपको क्रिटिकली इतना अच्छा अप्रेस करती है, आपकी टोन को देख सकती है, आपकी लुक को देख सकती है, आई टू आई कांटेक्ट को, मतलब पूरा ही वो आपको ना ठीक करती है। आपके साथ हमारा आई टू आई कांटेक्ट नहीं होता, आप हमारी बॉडी पोस्चर या कुछ नहीं देख रहे थे। वो मुझे कहती थी सीधा होकर बैठे, आई टू आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करें, ये आप जो है रिंकल्स क्यों बना रही हैं, ऐसे एग्जामिनर को लगेगा कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो खुद ये भी सारी तैयारी चीजें। कर रही है, ये प्रिपेयरिंग कैंडिडेट्स है, जब जो प्रिपेयरिंग कैंडिडेट है, जिस फेस से वो गुजर है, जो चीजें वो नोट कर सकता है, इसी तरह आप जब उसे देखते होगे, तो आप जब आप एग्जामिनर वाली साइड से होके देखते हो ना, तो आप ऐसी ऐसी बातें पिक करते हो जो आपको खुद भी नहीं पता होता जब आप कैंडिडेट होते हो, और वो एक आपकी अपनी भी लर्निंग हो रही होती है. जी दिस इज सो मैम, एंड यू रिमेम्बर दीज फ्रेंड्स कह लो, या दीज जो आपके पार्टनर्स होते हैं फॉर एग्जाम प्रिपरेशन, यू रिमेम्बर देम फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. वो कहते हैं ना, तो स्कूल की दोस्ती नहीं आप भूलते सारी जिंदगी. एक जिसके साथ आपने इम्तिहान पार्ट टू की तैयारी की होती है बॉर्डो में जाके, यू यू नेवर फॉरगेट दीज फ्रेंड्स एंड यू नेवर लीव देम, क्योंकि जानते हो या ना जानते हो, आप एक दूसरे की इतनी हेल्प कर रहे होते हो. व्हेन यू आर डूइंग करेक्शंस, व्हेन यू आर डूइंग गिविंग वेरी लेस मार्क्स टू द अदर पर्सन, जब आप अगले को फेल कर रहे हो, तो आप एक्चुअली उसके लिए कितना भला कर रहे हो. तो सो दिस इज हाउ इट इज, वेरी ट्रू. एक चीज और, आई टू आई बड़ा इंपॉर्टेंट है. दूसरा, मैं तो ये भी एडवाइस करती होती हूँ कि आखिरी दिनों में, यानी कि आखिरी 2 या 3 हफ्तों में, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग एट होम ऑल्सो, तो आप अपने खुद वॉइस की रिकॉर्डिंग करके आप प्रेजेंट करो, टाइम रखो, मोबाइल पे रिकॉर्डर ऑन करो, और फिर जब आप एक दफा बोल चुके हो तो उसे सुनो. और जब आप सुनने वाली साइड पे होगे ना, तो फिर आप बड़ी गलतियां अपनी भी निकालोगे खुद भी. सो घर में बैठ के भी आप इस तरीके से कर सकते हो. इफ समबडी कोई बाहर बहुत दूर इलाके में होता है, सिर्फ आखिरी दिनों में लाहौर आ रहा है, या कराची या मेन सिटी में आ रहा है, एंड दे डोंट हैव अ वेरी वो बहुत लॉन्ग टर्म. अस्सलाम वालेकुम मैम, अरे मेरा म्यूट हुआ था आपका, मेरी बात सुन ली आप लोगों ने, मेरी आवाज आ आपका ना रही थी म्यूट मेरे हो को, गया था मेरा पहले। आखिर में था. सो दिस हाँ इज हाउ इट इज, ठीक है, परफेक्ट जी. अभी कोई और, वेलकम साहब, कौन बोल रहा था? मैम, मैं सादिया बात कर रही हूँ, और मेरी आज ये फर्स्ट क्लास है, मैं आपकी पहली क्लास ले रही हूँ, क्योंकि मुझे रिकमेंड किया गया कि आप डॉक्टर अरूबा की क्लास लें, मेरी ये मोस्ट लास्ट टाइम वेलकम, है। मोस्ट वेलकम, चले, मोस्ट मैंने वेलकम. हाँ जी, आज तो वी आर डूइंग एक्चुअली इमीडिएट पोस्ट एग्जामिनेशन क्लास, और इस पे हमारे पासिंग कैंडिडेट और जो नहीं पास हुआ, दे ऑल पार्टिसिपेट. भी इट्स नाइन नाइन मई को आल्सो दी वेरी थी सेपरेट इम्पोर्टेंट अटेम्प्ट। क्लास. जी सादिया, लेकिन मैम मुझे लगता है कि मतलब जो मुझे अपना वो लगता है कि मैंने ऐसे नहीं कि नहीं पढ़ा था, मैंने पार्टनर के साथ तैयारी भी की थी और वो पास भी है, तो मुझे लगता है कि शायद मैं ऐसी बंदी हूँ जिसका स्टेमिना नहीं है, जो FCPS कर ही नहीं सकती। अब मतलब आजकल मैं इस फेज में हूँ, तो शायद मैं कभी इस देखो मेरी बात सुन, दुनिया जी में कोई ऐसी चीज ही नहीं है, या कह लो कि कोई ऐसा एग्जाम है ही नहीं विच यू थिंक दैट यू कैन नॉट लाइक, देयर इज नो सच एग्जाम, स्पेशली ऑफ योर फील्ड. मैं जब आखिरी क्लास ले रही थी, अगले दिन शायद एग्जाम था, तो मैंने तो लड़कियों को यही कहा, देयर आर आई एम श्योर गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं, मैंने सब कैंडिडेट्स को यही कहा कि आप लोग जब इमरजेंसी में कॉल्स करते हो, जब आप ऑपरेशन थिएटर में करते हो, यू आर गेटिंग होल्ड ऑफ द यूट्राइन आर्टरी, यू आर डीलिंग विद प्लेसेंटा इक्रीटा, वी ऑल हैव सीन ब्लीडिंग ऑफ प्लेसेंटा इक्रीटा इन आर ट्रेनिंग ऑल्सो, कि जब वो इतना ब्लीड करता है कि वो पूरा बेड भर जाता है, कई दफा बेड के नीचे भी ब्लड आ जाता है, यू आर से एंड एंड और उसके पीछे चार उसके बच्चे खड़े होते हैं, यू आर सेविंग लाइफ ऑफ, इतनी प्रेशियस लाइफ ऑफ अ मदर और आप बचा, मतलब वो तो सिनेरियोज ही और है. एंड देन स्पेशली हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेस रिसोर्सेज में अगर कोई काम कर रहा है, तो वैसा तो कोई काम कर ही नहीं सकता. मुझे लगता है कि शायद और फील्ड्स में भी हो रहा है, आई एम श्योर, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो गायनी के अंदर, गायनी के लेबर रूम में जो काम हो रहा है ना, वो तो उसके लिए वर्ड्स भी कम है बताने. ऑपरेशन थिएटर है नहीं, इधर फीटल डिस्ट्रेस, उधर एक सर्जरी, उधर आप सर्जन को मैसेजेस भेज रहे हो, अगले 5 मिनट में आपने सर्जरी खत्म करनी है, यहाँ पे इक्रीटा ब्लीड कर गया, उधर जी एनेस्थीसिया वाले जा रहे रेडी, आपकी एक नर्व्स का पूरा गेम चल रहा होता है. इस सब के मैम, सामने एग्जाम इज नथिंग, राइट?
यू नो व्हेन यू गो इन द एग्जाम यू आर फेसिंग द एग्जामिनर्स दे ऑल दिस सिनेरियो, मतलब कहाँ ये सारी सिचुएशन और कहाँ एग्जामिनर्स एंड यू नो कहाँ एग्जाम, आपको अपने सर पे सवार ही नहीं करना. और बेसिकली एग्जाम भी एक पूरी ड्रिल है टू सी हाउ यू मेंटेन योर नर्व्स एंड हाउ यू कीप काम, कीप योर सेल्फ काम एंड हाउ यू नो आप किस तरीके से हर सिनेरियो को डील कर रहे हो. व्हेन यू आर सिटिंग इन योर क्लिनिक फॉर एग्जाम्पल, इंशाल्लाह आप अभी भी शायद कर रहे हो लेकिन आप बाद में भी जब करोगे, यू आर सिटिंग इन योर क्लिनिक एंड देयर इज अ लेडी हू कम्स इन विद ऑल ऑफ यू नो पूरा उसका गाउट क्या है, वह लोग खड़े हैं आपके क्लिनिक के अंदर. वी डू क्लिनिक्स इन पाकिस्तान, हमारे पास उस तरह का तो रूल नहीं है कि किसने आना है किसने नहीं आना. और वो सब आपको गलत बात पे कन्विंस कर रहे हैं कि ये नहीं ऐसे है, बट यू शुड स्टे काम एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट एंड यू शुड नो कि क्या चीज ठीक है और अपने करना क्या है. आप नहीं है किसी के प्रेशर में आते. एग्जाम इज द ड्रिल ऑफ एवरीथिंग लाइक दैट, कि आपने कल को करना है तो ऑब्वियसली आपके ऊपर अब कोई नहीं है. अब आपके पास रेफर्ड केसेस भी आ रहे हैं इंशाल्लाह, आप मे बी लोग आपसे एडवाइस अब ले रहे हैं, तो आप अब आप उस लेवल पे हो कि यू हैव टू डील विद ऑल दीस सिनेरियोस. तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ FCPS, बहुत ही इम्पोर्टेंट. एक पूरी 4 साल की ट्रेनिंग एक तरफ और आपका एग्जाम एक तरफ, क्योंकि एग्जाम सारी की एक समरी होती है कंसिडरिंग थ्योरी एज वेल प्रैक्टिकल एज वेल, आपका नॉलेज स्किल एटीट्यूड वो सारा कुछ तो हो जाता है, लेकिन ये जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है और जो क्रिटिकल किस्म के सिनेरियोज आपको रियल लाइफ में आगे जाके फेस, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, हम गलतियां भी करते हैं, हम क्लिनिक में भी गलती करते हैं, हम थिएटर में भी गलती करते हैं, बट हाउ होनी नहीं चाहिए पर अगर हो जाती है तो उस गलती को भी कैसे डील करना है. यू नो एग्जाम में भी किसी स्टेशन पे गलती हो जाती है और फिर अब स्टेशन को कैसे लेके चलना है, उसका इफेक्ट अगले स्टेशन पे नहीं आना चाहिए. यू नो आप प्रैक्टिकल लाइफ में आपसे हो गई गलती, उस गलती का इफेक्ट अगले मरीजों पे नहीं आना चाहिए, उस गलती उस एक सर्जरी का इफेक्ट आपकी दिन की अगली सर्जरीज, ये मतलब तो नहीं कि एक गलती अल्लाह ना करे कॉम्प्लिकेशन हो गया तो आप सर्जरीज ही नहीं करोगे. यू हैव टू कीप ऑन डूइंग योर वर्क बिकॉज यही तो हमारा काम है. बट हाउ यू आर डीलिंग विद अ कॉम्प्लिकेशन, हाउ आर यू मेकिंग द डायग्नोसिस, हाउ आर यू कॉलिंग फॉर द हेल्प ऑफ अदर पीपल इफ यू हैव डन सम मिस्टेक, हाउ आर यू कन्फेसिंग द मिस्टेक, हाउ आर यू यू नो ट्रीटिंग द पेशेंट, नाउ दैट मैटर्स मोर देन द थिंग दैट यू हैव मेड द मिस्टेक एक्चुअली. तो ये सारा एग्जाम, तो यू कैन नेवर थिंक दैट यू कैन नॉट डू इट. अगर आप पूरी ट्रेनिंग कराए हो, IIMM पास कराए हो, आपने क्वालिफाई कर लिया पार्ट टू एग्जाम के लिए, यहाँ तक कि माशाल्लाह अब आप रिटन भी शायद पास कर रहे हो एंड आर यू सिटिंग इन टॉक्स, कौन दुनिया का बंदा कहता है कि आप नहीं कर सकते. दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग यू सेड टुडे. सो आप तो ये सोच ही नहीं सकते, ठीक है ना सादिया. तो अब आइंदा तो ये थॉट तो लाना ही नहीं है. जब ये थॉट लाओ तो सोच लो किसी एक ऐसे पेशेंट के बारे में सोच लो जिसकी आपने जान बचा ली, किसी कोई एक और बड़ा काम सोच लो, उसके बाद आपको लगेगा कि ये एग्जाम तो कुछ भी नहीं था. ठीक है, सो मूव फॉरवर्ड और इंशाल्लाह बाकी सब कराए हो तो इस ये कुछ भी नहीं, ये वही प्रेजेंस ऑफ माइंड का एक एक ड्रिल है. नहीं हुआ तो एक दफा फिर करोगे, हो जाएगा इंशाल्लाह. ये ट्रेनिंग है, इट्स नॉट लाइक के नहीं हुआ तो एंड ऑफ द वर्ल्ड हो गया. यू कैन डू इट अगेन एंड यू बिल्कुल विल गो थ्रू इट अगेन एंड यू विल पास इट इंशाल्लाह. ठीक है, इंशाल्लाह तो ऐसी बात इंशाल्लाह नहीं है, इसको थैंक आपने भी नहीं यू समझा मैम कि पास जाता है एंड ही हो गया, खुदा ना खास. ठीक है, वेलकम. ठीक है, सो और जी, सो आई होप आई थिंक एनीवन एल्स स्पेशली द पासिंग कैंडिडेट्स, अगर किसी ने बोलना है या कुछ कहना है एंड दे वांट टू लीव, आई डोंट नो यास्मीन अब इधर ही है या चली गई है, आई डोंट नो, बट थैंक यू वालेकुम वेरी मैम मच. वालेकुम सलाम जी सादिया. मैम मैंने ये पूछना था कि इस बार हमारे एग्जाम में मतलब जो भी एक्सटेंडेड टॉक्स हो रहे हैं उसमें डेली एक अल्ट्रासाउंड स्कैन ये रखा है ना, तो मैम हमारा जो है वो ये वाली जो अल्ट्रासाउंड वाली साइड है वो इतनी थोड़ी सी वीक ही है ना, तो मैम उस स्टेशन पे यूजली ये होता है कि हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं और वो डायग्नोसिस में हमें प्रॉब्लम हो जाती है पिक्चर देख के। तो मैम अल्ट्रासाउंड हमें कितना आना चाहिए और मतलब हम अब हम कैसे सीखें, क्योंकि अब तो ये चीज़ अल्ट्रासाउंड का गलत क्या हो रही। रखा होता है, उन्होंने तस्वीर रखी होती है रिपोर्ट के बजाय. ये मैम तस्वीर रखी हुई थी, सिर्फ पिक्चर रखी हुई थी हाइड्रोप्सिटेलिस की बड़ी और इंटरेस्टिंग बात है. अच्छा देखो, ये इट्स नॉट ओनली विद आर एग्जाम, ये इंटरनेशनली भी है. ये आप MRCOG देख लो, आप दुनिया के इम्तिहान देख लो, ये औखी किस्म की तस्वीर एक इन्वेस्टिगेशन की रखी होगी, मिस प्रिंटेड किस्म की. मतलब हम कहते हैं ना शायद हमारे मुल्क की क्वालिटी ऐसी है कि शायद मिस प्रिंट आ गया, पिक्चर ऐसी आ गई, यूरोगाइनी का अजीबोगरीब ग्राफ आ गया, या CTG इतनी मिस प्रिंट सी हुई हुई थी,
वो पिक्चर ही नहीं ठीक थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो व्हेन यू आर, जब आप इस तरीके से करते हो, लेकिन इट हैपन, इवन आप हैरान हो गए कि बाहर के एग्जाम्स में इससे भी गंदी पिक्चर्स होती है। सिमिलरली अल्ट्रासाउंड, देखो अल्ट्रासाउंड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर ट्रेनिंग। हमारी रोटेशन का भी एक है कि 3 मंथ्स का अल्ट्रासाउंड अगर किसी ने नहीं भी की, दो तीन चीजें आपको आनी चाहिए। पिक्चर्स की क्वालिटी अच्छी थी, पिक्चर्स ठीक थी इस दफा एग्जाम में, लकीली क्वालिटी बेहतर थी। आपको दो कुछ चीजें डेफिनेटली आनी चाहिए। इसकी वजह ये है कि यू मे बी कल को आप ऐसी जगह पे प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपके पास अल्ट्रासाउंड की बहुत हाई फाई फैसिलिटी नहीं है, और एक अल्ट्रासाउंड मशीन आपके अपने क्लिनिक पे है, उसी पे आपने डायग्नोसिस बनाना है और उस पर ट्रीट करना है। कई दफा आपके हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड के लोग या मशीनें इतने हाई लेवल की नहीं होती। हमें अपनी फील्ड की कुछ चीजें डेफिनेटली पता होनी चाहिए अल्ट्रासाउंड पे, जैसे हाउ टू लुक एट मोलर, हाउ टू डायग्नोज एंडोमेट्रियोसिस, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस क्या, ये नेट पे गूगल पे भी अवेलेबल है सब कुछ। डर्मोइड में अल्ट्रासाउंड पे क्या नजर मैडम, आएगा, जो स्कार एक्टोपिक क्या की आई नजर आएगा, थी वो भी स्कार गूगल पे एक्टोपिक, अवेलेबल है। यस स्कार एक्टोपिक क्या कैसे नजर आएगी, सर्वाइकल एक्टोपिक कैसे नजर आएगी, ये इट्स नॉट ओनली फॉर एग्जाम, आपको अपनी रियल लाइफ में भी, क्योंकि कई दफा नीचे देखो अल्ट्रासाउंड जो बैठ के कर रहे हैं, नो डाउट दे आर एक्सपर्ट्स, बट शायद उनके लिए तो पूरी बॉडी की फील्ड है ना, तो मे बी सर्वाइकल एक्टोपिक के लिए वो इतने कॉम्पिटेंट ना हो, या वो कह दें कि लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस में, राइट, या लोअर। तो इफ यू हैव अ मैडम मशीन इन योर ओन क्लिनिक तो आप उस चीज को रिकन्फर्म कर सकते हो। तो ये तो एक मस्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। आइदर यू हैव डन द रोटेशन इन योर इन रेडियोलॉजी, वो तो बहुत ही अच्छा है। इफ यू हैव नॉट डन द रोटेशन, आपने फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट नहीं किया, कोई बात नहीं, तो कोई और अच्छी फील्ड सिलेक्ट की होगी, वो भी इतनी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो आप इसकी आप प्रैक्टिस करो। देर आर फ्यू पीपल ऑल्सो जो जगह जगह कोर्सेस भी करा रहे हैं 1-2 महीने के, 2 हफ्तों के, बट वो भी ठीक है, बट देन रोटेशंस भी ठीक है, बट देन आप गूगल पे भी देखो, हर चीज तो नेट पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, स्कार एक टॉपिक की, सर्वाइकल एक टॉपिक की, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस क्या है, एडिनोमायोसिस में ये जो एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियल इको टेक्सचर क्या है, उसका जंक्शन कैसा होना चाहिए, हाइपरप्लेजिया आपको कैसा नजर आएगा एंडोमेट्रियल, ये आपको खुद भी पता होना चाहिए। टीवीएस की एक लुक, बिकॉज टीवीएस की लुक बिल्कुल डिफरेंट है एब्डोमिनल पेल्विक स्कैन से। इसी तरह ऑप्स के अंदर ट्विन्स, मोनोकोरियोनिक कैसे नजर आएगा, डाइकोरियोनिक कैसे नजर आएगा, ठीक है, एनोमलीज की हद तक ना पता हो, फीटल एनोमलीज के आपको वो जो गैस बबल है स्टमक का, या ड्यूडेनल एट्रीजिया का डायग्नोसिस, या कोई कार्डियक, वो नहीं, बट मेजर मेजर चीजें आपको पता होनी चाहिए। मेक अ लिस्ट, 10 लिस्ट है, मैंने आपको भी टॉपिक बोल दी है, इसी को आपने बस सिर्फ सर्च करना है गूगल पे और देख के जाना। आज अगर अच्छी तस्वीर रखी जाए तो ये तो अच्छी किस्मत है। गुड अस्सलाम आफ्टरनून वालेकुम सलाम। मैम, मेरा भी स्कार एक टॉपिक प्रेगनेंसी आया था, और उसके अंदर जो है ना, वो एग्जामिनर ने जिस पिक्चर रखी और वो कहने लगी कि बस इसी पे डायग्नोस करो, स्पॉट डायग्नोसिस और मैनेजमेंट बताओ। मैंने हिस्ट्री भी ली तो उन्होंने मुझे हिस्ट्री में कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट ही नहीं बताया, कुछ भी नहीं बता रही, पेशेंट सिम्टोमेटिक ही नहीं। मैंने पूरी एग्जामिनेशन मांगी, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन मांगी, तो टेंडरनेस पूछा, कुछ भी नहीं बताया मैम उन्होंने। मतलब आपकी तो पेशेंट टेंडर है, ये है, तो आप सर्जरी की तरफ जाएंगे, लेप्रोटमी की तरफ जाएंगे, आप बता कह रही हैं कि बस इसको अब तुम ये तस्वीर देखो, अब तुम बताओ इसकी मैनेजमेंट कैसे करोगी। तो मैंने उन्हें बताया कि बीटा एचसीजी करवाऊंगी, फॉलो अप करूंगी, तो और क्या करूंगी। मैंने डायग्नोज कर लिया था कि वो एक टॉपिक प्रेगनेंसी है, लेकिन अब वो कुछ बता ही नहीं थी, दे ही नहीं थी। देखो मेरी बात सुनो, स्कार एक टॉपिक इज डायग्नोज्ड ओनली ऑन अल्ट्रासाउंड, ठीक है, नॉट ऑन हिस्ट्री, नॉट ऑन एग्जामिनेशन, नॉट ऑन एनी अदर थिंग। एग्जामिनर वाज राइट, वो सिर्फ आपका जो है ना एटीट्यूड देख रही थी। पेशेंट को मिस पीरियड्स होते हैं, स्पॉटिंग उसको नहीं होती, नौजिया वॉमिटिंग उसको होती है, मतलब शी प्रेजेंट्स एज अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। और जब तक बहुत हाई फाई सोनोलॉजिस्ट ना हो, यानी कि वेरी गुड क्वालिफाइड एंड इवन क्वालिफिकेशन से ज्यादा इधर एक्सपीरियंस आ जाता है, सिर्फ एक एक्सपीरियंस शायद अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट कैन पिक स्कार। स्कार एक्टोपी इज नॉट इजी टू डायग्नोज, यू डोंट डिपेंड ऑन हिस्ट्री, यू डोंट डिपेंड ऑन एनी। एक्चुअली जब आप मरीज को भी न्यूज ब्रेक करते हो तो वो समझता है डॉक्टर सही नहीं कह रही, क्योंकि मेरा तो सब कुछ तो ठीक जा रहा है, वो 10 और डॉक्टरों के पास जाती है अपना डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए, राइट। सो
इसके अंदर हिस्ट्री एक टिपिकल हिस्ट्री थी. एग्जामिनर इनिशियली डिड नॉट वांट कि आपका टाइम वेस्ट हो ऑन दीज थिंग्स. शी वांटेड यू टू मेक अ डायग्नोसिस एंड शी वांटेड टू डिस्कस मैनेजमेंट मोर देन एनीथिंग एल्स, ताकि अगर आप वाकई आपने पिक कर लिया है तो वो आपको मैनेजमेंट पे ले जाके पॉइंट्स दे, नंबर दे, राइट. इसके अंदर अगर एग्जामिनर ने खुद ही कह दिया कि हिस्ट्री की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, डायग्नोसिस में लेट्स डिस्कस द मैनेजमेंट, बनता ही ऐसे, ठीक है. अब इसके अंदर वही बात है ना, आपका अपना कॉन्फिडेंस है. अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियसली बिकॉज इस स्टेज पे आप लोगों ने बहुत ज्यादा स्कारिक टॉपिक नहीं देखी होती, लेकिन चार या पांच भी स्कारिक टॉपिक देख लें, जो कि बिकॉज स्कारिक टॉपिक इटसेल्फ इज अ वेरी रेयर थिंग, नंबर वन. नंबर टू, वी डोंट हैव एनी गाइडलाइन फॉर इट्स मैनेजमेंट. नंबर थ्री, इट इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, इट हैज कॉन्ट्रोवर्शियल मैनेजमेंट. नंबर फोर, प्रोफेसरों ने भी नहीं देखी. जो एग्जामिनर्स वहां आपके सामने बैठे हैं वो भी उसी तरह ही बैठे हैं जैसे आप बैठे हैं, क्योंकि ये है ही रेयर चीज. मैं बार बार यही कहती हूँ, जो रेयर स्टेशन आ जी जाए जी एग्जामिनर के लिए भी रेयर है, वो उसको भी नहीं पता करें. मैम हमारी टीम में तो वो बहुत जो सारे एग्जामिनर रेयर थी ना, पेशेंट्स अगर थे। कोई सही डायग्नोस कर लेता था, उसको कहती थी कि तुम्हें अल्ट्रासाउंड आता है, और फिर वो आगे से कहती थी कि अच्छा इसमें से बताना हाथ लगा के यूट्रस कौन सा है। तो वो सब वैसे कह रही थी, जो मतलब डायग्नोस कर लेता था ना उसको ये बोलती थी, वो बेचारा भी कंफ्यूज हो जाता था कि ये इस तरह क्यों पूछ रही है कि तुम्हें अल्ट्रासाउंड आता है। देखो बात मैम सारी मुझसे भी यही है. सेम यही देखो बात उन्होंने की, क्या आपको मैं तो इस अल्ट्रासाउंड वक्त करूं। कहूंगी कि एग्जामिनर बड़ी अच्छी ठीक थी, शी न्यू द केस एक्चुअली, बिकॉज आई जी थॉट के स्कारिक टॉपिक में वो लोग इतने, उनके क्वेश्चंस इस कदर वैलिड है, यू नो, अल्ट्रासाउंड पे व्हेन एवर यू सी एन अल्ट्रासाउंड फॉर एनी एक टॉपिक, प्रेगनेंसी, एनी एक टॉपिक, स्कार ना भी हो, ट्यूबल हो, जो भी हो, सबसे पहले आप एंडोमेट्रियम देखते हो. सो शी सेड वेयर इज द यूट्रस. अगर आप यूट्रस देख सकते हो तो वहीं पे डायग्नोसिस हो गया ना कि इट्स नॉट इनसाइड द एंडोमेट्रियम, राइट, लोअर जी पार्ट जी पे है, उस जगह पे जहां पे स्कार होता है, एंड इट इज मोर ऑन द इंटीरियर साइड गोइंग मोर इनटू द माइमेट्रियम, व्हिच प्रूव्स दैट इट इज अ स्कारिक टॉपिक, ठीक है. हर क्वेश्चन वाज वेरी वेरी वैलिड ना. तो वो कोई ठीक है, उनका स्टाइल, मैंने हर दफा अपनी क्लास में कहती हूँ कि कोई भी आपको वहां पे पास करने नहीं बैठा हुआ वहां पे आपको, बिकॉज इट्स नॉट एन ये कोई बच्चों वाला एग्जाम है नहीं. जब आप इंशाल्लाह पास कर जाओगे तो यू विल बी द कंसर्न, मतलब स्कार एक टॉपिक आप एक FCPS पास के पास ही आएगी ना. मतलब यू नो अगर कोई जिसके पास डिग्री नहीं है, जैसे ही उसके पास स्कार एक टॉपिक का डायग्नोसिस आएगा वो उसे रेफर कर देगा. उसको नहीं आती इसकी मैनेजमेंट इज वेरी वेरी टेक्निकल, वी विल डिस्कस द, हम एक क्लास पूरी स्कार एक टॉपिक पे रखेंगे. आई विल शो यू द वीडियो ऑफ स्कार एक टॉपिक, आई हैव एन अल्ट्रासाउंड, TVS की वीडियो बनी हुई है, उसकी पूरी मैनेजमेंट है, उसकी लैप्रोस्कोपिक हिस्ट्रोस्कोपिक मैनेजमेंट ऑफ स्कार एक टॉपिक है. हम स्कार एक टॉपिक पे अगली पूरी क्लास करेंगे. प्लीज याद कराना, आप लोगों के सारे जी थैंक कॉन्सेप्ट्स यू क्लियर, मैम। सही आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट. लेकिन मैम, मैं उस एक सेम वाली एग्जामिनर पिक्चर को भी अभी सेंड शिफ्ट की है कर रही मैंने हूँ इनबॉक्स में, चैट में। इनबॉक्स पे, किया आई शो यू द वीडियो कि अल्ट्रासाउंड पे वो डायग्नोस कैसे हुई थी, हाउ यू वर डूइंग द अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड की पूरी वीडियो है. देन आई विल टेल यू के उसका सारा जो आगे मैनेजमेंट, एंड आई हैव एडिटेड इन फारूक हॉस्पिटल इधर जहाँ मैं करती हूँ अभी प्रैक्टिस, तो उसके अंदर आई मेड द होल वीडियो एवरीथिंग. सो आई हैव, मैं आपको पूरी मैनेजमेंट, डिफरेंट ऑप्शन है इसकी मैनेजमेंट की, राइट, जैसे एक टॉपिक की मैनेजमेंट की ऑप्शन होती है, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे. इस वक्त तो हम एग्जाम डिस्कस कर रहे हैं. मुझे वो एग्जामिनर पसंद आई या आए, बिकॉज उनके सवाल अच्छे थे. हाँ, एक तरीका होता है सवाल पूछने का, ऑब्वियसली ये कोई बच्चों वाला एग्जाम है नहीं कि वो आपसे बच्चों की तरह पूछेंगे कि ओके एज दिस इज एन अल्ट्रासाउंड, नाउ जस्ट टेल मी वेयर डू यू सी द यूट्रस एंड वेयर डू यू सी द ओवरीज एंड व्हाट डू यू थिंक द सैक इज इनसाइड द यूट्रस और एंडोमेट्रियम. उन्होंने तो आपको कंफ्यूज करके पूछना है कि तुम्हें आता है अल्ट्रासाउंड देखना, कहाँ है यूट्रस. ये सवाल, वही सवाल पूछने के दो तरीके. ये कोई बच्चों वाला एग्जाम है नहीं कि आपको हिंट्स दे के पूछा जाए, या आपको, क्योंकि अब आपके उन्होंने आपको कंफ्यूज करना है. जो कहते हैं ना, शायद कोर्सेज में कहते होंगे वो, कि जी आपको अगर आता होगा आप पास हो जाओगे, आपको हिंट मिल जाएगी, आपको एग्जामिनर के एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा. इट नेवर हैपेंस लाइक दैट देयर. जो लोग पास होके आ रहे हैं उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जिन्होंने पास नहीं किया उनको लग रहा होगा कि शायद हमने जो सही जवाब दिए वो गलत ही थे. जो एग्जामिनर का ऐसा एटीट्यूड था, ये नहीं होता, जो ज्यादा अच्छे जवाब दे रहा होता है उसके साथ उनका ज्यादा बुरा एटीट्यूड होता जाता है, बिकॉज उन्होंने देखना होता है कि वो अगला बंदा कितना कॉन्फिडेंट है.
उसको अपने अपनी कितना ग्रिप है अपनी चीजों पे। तो व्हाई शी आस्क्ड अबाउट द यूट्रस, बिकॉज शी वांटेड, बिकॉज एक टॉपिक है स्कैन पे सबसे पहले बात ही इंट्रा यूट्राइन की, सबसे पहले एंडोमेट्रियम ही तो देखते हैं कि एंडोमेट्रियम है कैसी है, राइट? उसके बाद कहीं इधर उधर देखते हैं। तो आई थिंक ऑब्वियसली ये कोई बच्चों वाला एग्जाम नहीं था कि वो आपको हिंट देती हैं कि वी आर लुकिंग फॉर द जेस्टेशनल सैक, सो लेट्स सी वेयर इज द यूट्रस एंड लेट्स सी वेयर इज द एंड, सो इट्स नॉट लाइक दैट। ऑब्वियसली वो आपसे इसी तरह पूछेंगे कि अल्ट्रासाउंड आता है देखना, मतलब इसलिए पूछा क्योंकि जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड आपके सामने रखा तो आपको खुद ऐसे एक्सप्लेन करना चाहिए था कि एज द एंडोमेट्रियम इज थिकेंड और रेगुलर एंड आई डोंट सी द सैक इन द जस्ट फर्स्ट एरिया और इन द अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस। जी ये जस्ट अल्ट्रासाउंड नहीं था, इसका सिनेरियो था पूरा कि पेशेंट जो है ना सिनेरियो ही होगा वो ना, बिल्कुल जी, और उसके बाद हिस्ट्री था फर्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद जो है ना वो जैसे प्रोसीड करते हैं तो हिस्ट्री ली, एग्जामिनेशन किया, इन्वेस्टिगेशन, जब इन्वेस्टिगेशन पे टीवीएस का तब हमें टीवीएस दिया गया था, यस दे और दिया। उसके बाद जो और है ना वही हाँ तो आपकी मेरी इन्वेस्टिगेशन थी मैडम जिसके एक्चुअली लिए जो आई। इसका क्वेश्चन था ना, अगर किसी को अल्ट्रासाउंड ना भी देखना आता हो तो इसके क्वेश्चन में ही क्लू था। इस अगर किसी को हाँ कुछ नहीं प्रीवियस वन आता थी नहीं वो, पता, उसमें लिखा हुआ था कि 1.5 साल पहले पेशेंट का सिजेरियन हुआ है और अभी वो आई है और उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, और आप देखिए तो सिजेरियन स्कार के उसमें लिखा भी है ना कि मोस्ट ऑफन इनको कोई सिम्टम्स नहीं होते और इनको पता भी नहीं होता, तो बिल्कुल मतलब ये हाँ तो हिंट मिलना शुरू हो गई। और जहाँ प्रीवियस कार का जिक्र है, देखो दो तीन प्रीवियस सिजेरियन का जिक्र है, वहां हम दो तीन चीजें वैसे ही कंसिडर करते हैं, और वो दो तीन चीजें ये होती हैं कि प्रीवियस कार का जिक्र आप सबसे पहले देखते हो, अर्ली प्रेगनेंसी है तो प्रीवियस कार है तो ऑब्वियसली स्कार प्रेगनेंसी है, एक्टोपिक तो नहीं है क्योंकि प्रीवियस सर्जरी हुई है। प्रीवियस कार है, एडवांस प्रेगनेंसी है तो इक्रीटा तो नहीं है, राइट? सो प्रीवियस सिजेरियन में आप, और नंबर 3 स्कार थिकनेस, राइट? तो ये चीजें आपके आए, सॉरी मैं 1 मिनट। और ये पूछी भी गई थी एग्जाम में, डायबिटीज का पेशेंट था शॉर्ट केस उस हेलो हेलो जी, ठीक है। सो यस बिल्कुल ठीक है, समझने सही कि हम सिनेरियो वाइज डिस्कस कर लेंगे, वो हम कर लेते हैं, ठीक है। एक टॉपिक पे तो मैं आपको पूरी क्लास विद वीडियो एंड ऑल करा दूंगी। सो सिनेरियो और एग्जामिनर के क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेरी वैलिड, सो डोंट वरी। अभी हमने एक एक सिनेरियो डिस्कस करना है जो हमें एक डॉक्टर ने क्वेश्चन किया था, और किसी ने कोई कमेंट, आई जस्ट वॉन्ट कि जो जो पास हुए दे वॉन्ट टू लीव, और तो वो कुछ भी जो भी कमेंट करना है, एंड थैंक यू वेरी मच के फॉर द फीडबैक डॉक्टर यासमीन का भी, और इफ एनीवन एल्स वांट्स टू ऐड एनीथिंग, ताकि मैं सिनेरियो वाइज हम बिल्कुल बात करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो एक तो हमें अभी जो डॉक्टर ने बताया अबाउट द पीएच, देखो मैं हर बात पे कहती हूँ एग्जाम के अंदर जो है ना, अभी मेबी अब इट्स अ बिगिनिंग ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द नेक्स्ट ऑफ द अपकमिंग एग्जाम इंशाल्लाह। कुछ कीवर्ड्स होते हैं आपके सिनेरियोस में, आपने उन कीवर्ड्स को कैसे पिक करना है, उनकी तैयारी कैसे करनी है, और क्योंकि वो जो कीवर्ड्स है ना, वो कीवर्ड सुनते ही आपके माइंड में क्या चीज चलनी है। जैसे अभी किसी ने कहा प्रीवियस सिजेरियन, प्रीवियस सिजेरियन से रिलेटेड 3-4 बातें वही आपके माइंड में हो, आपने लिंक निकालना है सिनेरियो में आगे क्या दिया हुआ है, अर्ली प्रेगनेंसी है मुझे ये चीज रूल आउट करनी है, स्कैन सामने रखेंगे जहन में पहले ही 2-3 चीजें शॉर्टलिस्ट हुई है और प्रीवियस सिजेरियन को लेकर। इसी तरह अब जैसे अभी किसी ने हमें बताया कि यू नो आई डोंट नो वो डॉक्टर अभी ऑनलाइन है या नहीं, अबाउट द प्रीवियस अबाउट द पेशेंट हु हैड हिस्टेरेक्टोमी प्रीवियसली, राइट? जी मैडम, आई एम हियर, आप, हाँ सॉरी आपका नाम क्या है, आई कैन नॉट रीड योर नेम, डॉक्टर जैनब। जैनब, ओके। सो जैसे डॉक्टर जैनब ने बताया हमें सिनेरियो, अब जैसे ही एक पेशेंट है, अभी बाकी सिनेरियो रिस्पेक्ट की बात करते हैं, एक पेशेंट है हु हैड हिस्टेरेक्टमी प्रीवियसली, आपके माइंड में आया शी इज अ केस पोस्ट हिस्टेरेक्टमी पेशेंट है, ठीक है। पोस्ट जी मैम हिस्टेरेक्टमी में
अब जो बातें की पॉइंट से रिलेटेड आपके माइंड में आएंगी ना, चाहे अभी सिनेरियो पढ़ा या नहीं पढ़ा, जो आपने हर सूरत पेशेंट से पता करनी है, एक तो ये कि वो हिस्टेरेक्टमी किस उम्र में हुई, दूसरा वो हिस्टेरेक्टमी हुई क्यों, तीसरा उसमें ओवरीज निकली या नहीं निकली, चौथा वो किस रूट से हुई, चाहे अब वो जिस मर्जी कंप्लेंट के साथ आई है, चाहे सिनेरियो में आगे कुछ भी है, अगर सिर्फ पहले चार वर्ड्स में ही कवर हो गया है कि पेशेंट इज अ केस ऑफ पोस्ट हिस्टेरेक्टमी या पेशेंट हैड हिस्टेरेक्टमी एंड नाउ प्रेजेंट्स विद, ना पेशेंट हैड हिस्टेरेक्टमी पे ही आपके माइंड पे चार बातें आ गई कि यू कैन नॉट मूव अहेड विद द पेशेंट अनलेस यू नो किस उम्र में हुई, क्यों हुई, किस रूट से हुई, ओवरीज का क्या बना, ठीक है, उससे आगे बात नहीं चला। इफ यू मिस एनी ऑफ दीज पॉइंट्स, आपका सिनेरियो इनकम्प्लीट है, यू डोंट स्टैंड एनीवेयर। अब जैसे हम एक स्कार एक टॉपिक की बात कर रहे थे, यू कैन नॉट मेक अ डायग्नोसिस अनलेस यू हैव पिक्ड द की पॉइंट्स फ्रॉम द सिनेरियो एंड नाउ यू आर लुकिंग एट द अल्ट्रासाउंड। वी ऑल आर नॉट द अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट, फ्रैंकली। जैसे मैं कार्डियक की क्लास में कहती हूँ कि अगर हम कार्डियक एग्जामिनेशन के पेशेंट में कोई पॉइंट मिस भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन वी शुड नो एटलीस्ट के वो कार्डियक पेशेंट है, राइट। तो सिमिलरली अगर हम अल्ट्रासाउंड पे कोई डायग्नोसिस भी मिस कर देते तो कोई बात नहीं, लेकिन सिनेरियो से हमने पिक तो किए कोई की पॉइंट्स। अगर अपने की पॉइंट्स पिक किए अर्ली प्रेगनेंसी, अगर उसका प्रीवियस सिजेरियन एंड नाउ ऑन टीवीएस, यू आर नॉट एबल टू फाइंड द सैक, कि आपकी आंखों ने, वो कहते हैं ना आईज कैन नॉट सी व्हाट माइंड डजंट नो, तो आपकी आईज ने नहीं पिक किया सैक, आपकी आईज ने नहीं प्रीवियस कार देख सका स्कैन पे, कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपके माइंड, आप बार बार एग्जामिनर को तो बता रहे हो कि इसका प्रीवियस अर्ली है, तो मैं नहीं कर सकी, मैं रूल आउट कर रहा हूँ इसका एक टॉपिक, उसके सिम्टम्स नहीं है, उसका ये नहीं है, उसका चलो आपने मुझे बीटा एचसीजी सीरियल नहीं दिया या वट एवर आप, बट द प्रेगनेंसी इज नॉट ग्रोइंग, इट्स अर्ली प्रेगनेंसी, मेरे से तो पिक नहीं हो रहा, मैं सोनोलॉजिस्ट से पूछूंगी, तो एग्जामिनर वहीं पे भी आपको तंग नहीं करेंगे, बिकॉज वी नो कि आपके माइंड में तो चल रही है ना ये बात। सिमिलरली पेशेंट विद प्रीवियस हिस्टेरेक्टमी, यू कैन नॉट मूव ऑन, आपने इस तरह हर हर पेशेंट के की पॉइंट्स को जरूर याद रखने। देन दिस पेशेंट हैड हिस्टेरेक्टमी, यू डोंट अबाउट ओवरीज, अगर आपको ओवरीज का ही नहीं पता, आपको उसकी जनरल हेल्थ का ही नहीं पता, आपको पता ही नहीं उसकी टिश्यू स्ट्रेंथ कैसी है, आपको पता ही नहीं कि यू नो एटसेट्रा एटसेट्रा, सॉरी मैं म्यूट कर रही हूँ आप जो, ठीक है। सो सबसे पहले ये, उसके बाद देन पेशेंट हैड अ लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, शी हैड यूरिनरी प्रॉब्लम्स, शी हैड यू नो हाउ शी वाज हाइपरटेंसिव, शी वाज डायबिटिक, एस्थमेटिक, लैप्को, उसकी प्रीवियस कोलेसिस्टेक्टमी आई, सर मल्टीपल एनेस्थीसिया उससे मिले, दैट्स राइट। देखो प्रीवियस हमारे लिए सारे में जो इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स गायनी के पॉइंट ऑफ व्यू से थे, स्पेशली वो कह रही है मेरे पेट में रसौली भी है, सो यू डोंट नो क्या है आपकी हिस्ट्री के, उसका प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ टीबी है, टीबी की हिस्ट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, आपके लिए ओवरीज निकली या नहीं निकली वो कहाँ उसकी रसौली है वो इम्पोर्टेंट था। देन शी हैड मल्टीपल यूरिनरी प्रॉब्लम्स, यू डोंट नो दैट शी इज अ केस ऑफ प्रोलैप्स, वॉल्व प्रोलैप्स विद द यूरिनरी प्रॉब्लम्स एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इसके अंदर बहुत सारे रिस्क है, इसमें आपने सिर्फ यूरिन में नहीं घूम के रह जाना कि उसकी अर्जेंट कॉन्टिनेंस है, उसको यूटीआई है या क्या है, आपने इसके अंदर सबसे पहले ऑफकोर्स ओवरीज, क्योंकि शी कैन हैव ओवेरियन मास ना, सो वो रूल आउट करना है। और टीबी इसलिए मैंने कहा क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस में एडिनेक्सल मैसेस बन जाते हैं, इन्फ्लेमेटरी सिस्ट बन जाती हैं जो रसौली की तरह नजर आती है स्कैन पे, एंड शी कैन बी अ केस ऑफ रिकरेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस आल्सो। सो कोलिसिस्टेक्टमी हो गई, ओके, वो बस पास सर्जरी में आ गया, उससे ज्यादा हमें उसकी नहीं जरूरत, आई की भी हमें उससे ज्यादा जरूरत नहीं, एक्सेप्ट क्या है पता नहीं, आई का कोई हाइपरटेंशन डायबिटीज, सो यस इसके अंदर अगर आप हाइपरटेंशन डायबिटीज है उसकी तीन चार लाइनें आपको पता हो, शी इज नोन केस ऑफ हाइपरटेंशन, कंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर ऑन ओरल एंटी हाइपरटेंसिव, शी गॉट हर आई चेकअप डन लेस देन 6 मंथ्स बैक विच वॉज नॉर्मल, शी हैड हर कार्डियक चेकअप डन रेगुलरली एंड हैड हर आर एफ टीज रेगुलरली डन। ये चार पांच लाइने हैं जो आपने क्रॉनिक हाइपरटेंशन से रिलेटेड बोली, यू कैन नॉट मिस एनी पॉइंट इन एनी पेशेंट हु सेज दैट आई एम क्रॉनिक हाइपरटेंसिव। डायबिटीज सेम पॉइंट्स इन डायबिटीज, शी इज नॉन डायबिटिक, द शुगर इज ब्लड शुगर लेवल्स आर वेल कंट्रोल्ड ऑन ओरल एंड हाइपोग्लाइसीमिक्स, या शी इज ऑन इंसुलिन, कंप्लायंट विद इंसुलिन एंड ब्लड शुगर लेवल्स आर वेल कंट्रोल्ड, गॉट हर रेगुलर चेकअप, आई चेकअप, हार्ट चेकअप एंड किडनी चेकअप डन इन लेस देन 6 मंथ टाइम। हाइपरटेंशन डायबिटीज से रिलेटेड ये चार लाइनें जो कि 30 सेकेंड से भी कम में पूरी हो, 10 सेकेंड में पूरी हो जाती है वो बोलनी होती है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस हिस्टेरेक्टमी की हिस्ट्री है और ओवरीज की हिस्ट्री है,
अगर ओवरीज निकल चुकी हैं उसकी पहले कितने सालों से, यू शुड नो एग्जैक्टली कि उसका बोन हेल्थ कैसी है, उसकी उसकी जनरल पूरी हेल्थ कैसी है, उसके मेनोपॉजल सिम्टम्स कैसे हैं, एंड देन यस यूरिनरी रिलेटेड उसकी हिस्टेरेक्टमी हुई है, अब पता नहीं वॉल्व प्रोलैप्स के साथ आई हुई है, रिसोली वो किसको कह रही है, वॉल्व को रिसोली कह रही है, सो वॉल्व प्रोलैप्स इज एसोसिएटेड विद यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस आल्सो, सो ये सारी चीजें, और जब आपने इसमें से हर की पॉइंट की आपने स्पेसिफिक बातें याद की होंगी ना, जैसे जब आपने बोला मैंने जो चार पांच बातें अपने पास नोट डाउन की थी, मैंने टीएच बीएसओ के आगे क्वेश्चन मार्क, हाइपरटेंशन डायबिटीज सिस्ट प्लस यूरिनरी कंप्लेंट क्वेश्चन मार्क, कोली आय और एस्मा, मैंने ये छह बातें नोट डाउन की हैं इस वक्त, राइट, एंड नाउ आई एम टेलिंग यू कि जब मैंने लिखा हिस्टरेक्टमी, हिस्टरेक्टमी में क्या क्या बातें बोलनी है, मैंने आपको बताया यू कैन नॉट मिस एनीथिंग, ओवरी से रिलेटेड ओवरीज निकली है तो क्या, अच्छा पेशेंट्स मोस्टली डोंट नो कि ओवरीज निकली है नहीं, तो कोई बात नहीं, आप उसे फिर भी मेनोपॉजल सिम्टम्स थोड़े पूछो कि क्या है, एंड देन हाइपरटेंशन, यू कैन नॉट मिस हाइपरटेंशन, यू कैन नॉट मिस अ पेशेंट हु सेज आई एम क्रॉनिक हाइपरटेंसिव, कि उसे आप किडनी के बारे में पूछा, उसे हार्ट के बारे, यू कैन नॉट मिस इट, वी आर नॉट फिजिशियंस बट वी शुड नो एटलीस्ट बेसलाइन बेसिक हेल्थ लेवल ऑफ द पेशेंट ना, इफ शी इज क्रॉनिक हाइपरटेंशन वी नीड टू नो कि उसकी किडनी का कभी चेकअप हुआ है कि नहीं, उसकी किडनी तो नहीं फैक्टर है, बिकॉज हाइपरटेंशन तीन चीजों पे एक्ट करेगी, आई पे, हार्ट पे या किडनी पे, तो आपने वही पूछ लिया, सिमिलरली डायबिटीज, इफ इफ समवन सेज दैट शी इज डायबिटिक, हाउ कैन यू मिस आस्किंग हर कि वो उसकी शुगर लेवल्स आजकल कैसे हैं, उसके इंसुलिन पे है तो वो कंप्लाइंट है कि नहीं, या ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स पे, यू कैन नॉट मिस टू आस्क अबाउट हर आईज एवरीथिंग एल्स लाइक दैट, सो ये इफ यू आर मिसिंग इट इन एग्जाम और देन यू विल मिस इट इन योर रियल लाइफ, एंड इफ यू मिस इट इन रियल लाइफ यू कैन कॉज अ बिग डैमेज टू द पेशेंट, आप उसकी अर्जेंट कॉन्टिनेंस 2 महीने से ट्रीट किए जा रहे हो यूटीआई समझ के, और पता चला कि उसको 2 दिन बाद हार्ट अटैक हो गया क्योंकि उसका हाइपरटेंशन और डायबिटीज ही कंट्रोल नहीं थी, हार्ट का मसला चल रहा था, इसलिए अगर कोई पेशेंट आ रही है और उसके चेकअप्स नहीं हो रहे तो आप साथ ही उसे एडवाइस भी करते हो कि जाते हुए आप अपने आरएफटीज कराते जाएं, ईसीजी का टेस्ट देते जाएं, अगर टाइम है तो एक फंडोस्कोपी भी कराते जाएं क्योंकि ये रिकमेंडेड है आपके केस में, एंड फॉर यूरिनरी प्रॉब्लम्स आई एम टेलिंग यू दिस, सो एंड दिस इज हाउ यू नो यू कवर द होल पेशेंट, एंड दिस इज हाउ यू इम्प्रूव योर प्रैक्टिस ऑल्सो, अगर आपका पेशेंट, वही बात है कि मरीज आपके पास आते हुए अगर उसे हार्ट अटैक और 4 दिन बाद उसके अटेंडेंट्स आपको बताते हैं कि वो तो कार्डियक वार्ड में एडमिटेड है क्योंकि उसका तो हार्ट अटैक हो गया, या आपको वो चेक करा रही थी अर्जेंट कॉन्टिनेंस ठीक हो गई लेकिन उसको तो 6 महीने के बाद ब्लाइंडनेस हो गई, तो ये क्या ट्रीट किया आपने पेशेंट को, उसको पता ही नहीं था पेशेंट को जो उसे ये चीजें भी करानी थी, वो तो समझ रही थी कि सब कुछ ठीक चल रहा था, सो दिस इज एग्जैक्टली वॉट इज एक्सपेक्टेड इन द एग्जाम, ठीक है जैनब, तो इस पेशेंट के अंदर अगर जी आप जी ये मैडम सारी चीजें कवर नहीं करोगे, यू यू कैन यू शुड नॉट पास, राइट, बिकॉज एग्जामिनर वहां बैठ के देख रहे हैं, जैसे मैंने ये 6 बातें नोट कर ली, एग्जामिनर ने वहां नोट की नहीं है, उनके पास तो स्टेशन कब का पड़ा हुआ, वो तो हर कैंडिडेट को देख रहे हैं, उन्होंने नोट कर लिया कि कौन सा कैंडिडेट क्या चीज मिस कर रहे हैं, FCPS इज दैट एग्जाम जिसमें आप एक भी चीज मिस नहीं कर सकते, ठीक है, मैडम सो मतलब अगर जो मैडम जो मतलब कोमॉर्बिडिटीज थी ना वो मैंने पूछी थी, उसने ये कहा कि मेरा शुगर कंट्रोल में नहीं है और उसके अलावा मेरी टीबी और एस्मा वो कंट्रोल है, मतलब टीबी के लिए मैंने ट्रीटमेंट ली थी वो ठीक है और वो मतलब सारी चीजें हो गई थी, तो मतलब मैंने ये पूछी नहीं थी ना चीज, तो मैं थोड़े डाउट में थी मतलब ओवरी के हिसाब से, तो जब बहुत नेक्स्ट सेशन इंपॉर्टेंट, पे गई ना तो वहां कोई मैंने तो है ये अल्ट्रासाउंड हमारी वहां फील्ड, जी, शुगर बीपी मैंने तो चलो वहां फिर उससे ये भी किसी पूछा और था की, कि जी मैडम मैंने वहां भी उससे पूछा था मतलब फीमेल से ही कि आपकी बायोप्सी रिपोर्ट हुई थी क्यों हुआ था, उसने कहा कि मुझे रसौली बताई थी तो बच्चेदानी में ना लियो मैमा, मैंने माइंड में रखा कि मे बी वो हो ना, तो बायोप्सी लीडिंग रिपोर्ट जब सिस्टम आगे फिर वाले ये स्टेशन पूछते में हैं कि पूछी आपको हैवी तो मेंस्ट्रुअल, फिर सिम्टम पूछते हैं ना कि सर्जरी से पहले जी आप पूछते हैं अच्छा सर्जरी हो, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम देयर एंड एट टाइम्स इन योर क्लिनिक आल्सो या जी मैडम वार्ड में राउंड करते हुए यू डोंट हैव टाइम, तो आप उसे ये पूछते हो अच्छा आपकी यूट्रस निकली भी है, पेट से पेट खोलने वाले ऑपरेशन से हुआ था नीचे के रास्ते से या लेप्रोस्कोपिक, वो कहती पेट खोलने के रास्ते से, अच्छा उस वक्त आपको क्या मसला था जब आपकी रसौली निकली, आपका यूट्रस निकली, बिकॉज बायोप्सी देखो जो चीज आप एक्सपेक्ट करो कि शायद पेशेंट को ना पता हो वो बाद में पूछो, अगर आपको आंसर पहले जी मिल रहा है तो कई दफा पेशेंट से जब आप पूछते हो ना कि उस वक्त मसला क्या था, वजह क्या कही थी डॉक्टर ने निकालने की, तो वो खुद भी बायोप्सी की बात बता देते हैं,
सो यू नीड टू नो फोकस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट, छोटी बात. आप कहोगे कि उस वक्त क्या ब्लीड, क्या मसला था, ब्लीडिंग ज्यादा होती थी या पेट में रसौली फील होती थी, अल्ट्रासाउंड में कुछ कहा था? तो जिसको बायोप्सी पता होगी ना, तो वो कहेगा कि मुझे फाइब्रॉइड था और उन्होंने कहा था कैंसर नहीं है, लेकिन ब्लीडिंग ज्यादा होती थी तो उन्होंने निकाल दिया. यू गॉट ऑल द आंसर्स राइट. और कई जी दफा पेशेंट खुद भी कहते हैं कि ओवरी बचाली थी क्योंकि मेरी उम्र तो 35 ईयर थी उस वक्त. नहीं भी कहता तो आप उसे कहते हो कि अंडेदानियां बची थी या नहीं बची थी, वो कहेगी मुझे नहीं पता. आप कहना कभी अल्ट्रासाउंड पे किसी ने आपको बताया अंडेदानियां है, नहीं, वो कहेगी मुझे नहीं पता. तो ठीक है, नहीं पता तो नहीं पता, फिर आप थोड़े से क्विकली उससे सिम्टम्स पूछ लोगे. ठीक है, तो सही मैडम। बट जब मैंने आगे आपने वाली, जी मैडम, जब आगे वाली स्टेशन पे गई ना, तो वहां एग्जामिनर ने मुझे बायोप्सी रिपोर्ट दी थी, जिसमें यूट्रस में तो मतलब फाइब्रॉइड उसने लियोमायोमा बताया था, और सर्वाइकल चेंजेस में मतलब उसने कहा था स्क्वैमस मेटाप्लेसिया आया है, और इसके साथ साथ क्रोनिक सर्वाइसाइटिस आया है। तो ठीक उन्होंने है, मुझे अल्ट्रासाउंड, जी, मतलब वो तो मैं समझ गई क्रोनस कि मतलब मेटाप्लेसिया एंडोमेट्रियम का, नहीं, सर्विस का, सर्विक्स का, ओके. ये पोस्ट हिस्टेरेक्टमी है सैंपल जी का. जी जी मैंने जब बायोप्सी मांगी ना, तो उन्होंने ये दी थी। और अल्ट्रासाउंड में उन्होंने मुझे मतलब ये पजल करने के लिए ये कहा कि मतलब वहां भी मुझे ना डाउट में रखा कि ओवरीज का पता नहीं चल रहा और कोई कमेंट नहीं है, तो मैं मतलब मैंने तो वहां नहीं पूछा था। देखो, अगर तो स्क्वेमस मेटाप्लेजिया सर्विक्स का आ गया तो ओवरीज से तो अब हमारा ताल्लुक रहा ही नहीं. सीए सर्विक्स में यू जी जी नीड मैडम, नॉट टू टॉक अबाउट ओवरीज राइट. अब स्क्वेमस मेटाप्लेजिया सर्विक्स की तो एक अलग ही टॉक है, उसमें तो फिर प्री ऑपरेटिव या सर्जरी से पहले स्टेजिंग क्या थी और सर्जरी के बाद उसकी ट्रीटमेंट क्या हुई, मतलब वो फिर, वो तो फिर रेडिकल हिस्टरेक्टमी हुई थी या नहीं हुई, उसकी मतलब उसका किस हद तक का क्या सर्जरी हुई है, बिकॉज स्क्वेमस मेटाप्लेजिया ऑफ सर्विक्स में तो फिर डिस्कशन ही और है ना. उसके अंदर तो फिर उसका हाँ मैडम, जी रेडियोथेरेपी और वो तो स्टेज ही, वो तो फिर और है कि क्या पता आफ्टर सर्जरी ये डायग्नोसिस बना, और फिर आफ्टर सर्जरी अब वॉल्ट की उसके स्मेयर्स हो हाँ रहे हैं कि नहीं सर, हो रहे, तो ये तो डिस्कशन ही और थी फिर. जी ठीक है, मैडम, गुड. सो जी जी यस, मैडम, सो इस तरह के सिनेरियोज वर रियली गुड वैसे. तो इस तरीके से अगर किसी और को किसी और सिनेरियो में, इसका एक टॉपिक वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम, अगर कोई और वैसे ये स्क्वेमस मेटाप्लेजिया सर्विक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग, जो हम अगली दफा चाहे दो सिनेरियोज कर लेंगे. ये दोनों सिनेरियोज मैंने ना ग्रुप में वो बंद की हुई है चैट, क्योंकि वो बहुत ही डिस्टर्बिंग हो गया था. तो आई आई कैन ओपन इट फॉर फ्यू आवर्स इन बिटवीन, और आप ये, आप भी जैनब और जिसके पास कार, जी जी रूसा के मैडम, पास रहता है उसका एक टॉपिक का, पहले अपने पास रफ में लिख लो, जब पूरा सिनेरियो कंप्लीट हो फिर वो सिनेरियो आप उसी तरह हमारे ग्रुप में शेयर कर दो, तो वी कैन डिस्कस दीज टू सिनेरियोज नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह. अच्छा जी मैम जी एक मैडम. क्वेश्चन पूछना था। मैम जी जी एक एक करके जी कार्या. जी जी मैम, एक ना आईवीएफ की काउंसलिंग आई थी एक स्टेशन पे, तो उसमें रोल प्लेयर को काउंसिल कर रही थी, तो उसने एक क्वेश्चन पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये बच्चा मेरा है। तो मैंने कहा आपकी जब बेबी हो, मतलब उसकी हम डीएनए टेस्टिंग करवाएंगे, हस्बैंड का और वाइफ का और बेबी का डीएनए टेस्ट करवाएंगे। तो जो सर बैठे हुए थे कहने लगे, तो क्या तुम अगर उसका बच्चा नहीं होगा तो बच्चे का क्या करोगी पैदा होने के बाद? तो मैंने कहा सर उसका हम पहले करवा लेंगे टेस्टिंग, हम ड्यूरिंग जर्नी के जब वो प्रेग्नेंट होगी, एमनियोसिंटेसिस या सीवीएस के ये थ्रू। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. आईवीएफ का हर पेशेंट ये पूछता है. उसमें आपको पेशेंट को इतनी तसल्ली देनी है, डायरेक्ट आप उसे साइंटिफिक फैक्ट पे तो चले जाओ. वो डॉक्टर, वो जो आपके एग्जामिनर बैठे थे, वो ही सेड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, एंड आई एम श्योर ही मस्ट बी वेरी एक्सपीरियंस इन आईवीएफ, जो उन्होंने ये बात की. क्योंकि अगर आपने ये बताना है कि आप हमारी लैब से आईवीएफ करा रहे हैं, ये तो नंबर 1. देखो, आपने उस अपने ना पेशेंट के मेंटल लेवल मैडम आना होता है. जब एक मैडम, ये पेशेंट का सवाल मेंटल, हमारे उसमें भी था, तो मैंने इसका ये जवाब दिया था कि जिस भी सेंटर से आप कराती हैं, ये वो रिलायबल होते हैं, वहां पर इस तरह की चीज नहीं होती कि आपके ओवर से किसी और का स्पर्म दिस मिला इज दिया जाए। ऑलमोस्ट अ गुड आंसर. मैं हाँ, बताती हूँ, मैंने ये जवाब देखो दिया था। जब एक पेशेंट बैठ के ये सवाल कर रही है ना, तो आपने उसके मेंटल लेवल पे आना है. यानी कि अगर किसी ने आपसे ये कहा है कि हाउ वुड आई नो दैट यू आर पुटिंग इन माय माय एम जेनेटिकली माय एम्ब्रियो,
वहां पे तो इतने आपके पेशेंट, जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं इसको स्कैन कर लेते हैं क्योंकि लेबर रूम में, और वो कहते हैं कि इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप किसका बच्चा किसको दे रहे हैं? उसका जवाब आप लोग क्या देते हो? आप कहते हो बीबी मेरी बात सुनो, ये कभी हुआ है कि बच्चा एक्सचेंज हो जाए? सवाल ही नहीं पैदा होता। मतलब आपको कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको टैग लगता है, मदर को टैग लगा होता है, डॉक्टर को, नर्सरी में के टैग लगा, हमें आप ऐसे यकीन दिलाते हो पेशेंट को। आपने कभी ये बात की लेबर रूम में बैठ के कि हम डीएनए टेस्ट कराएंगे आपके, आपको जो बच्चा हवाले कर रहे होंगे, जी पहले हम आपका डीएनए टेस्ट करेंगे, फिर हम बच्चे का डीएनए टेस्ट करेंगे, फिर बच्चा देंगे? वी नेवर टॉक लाइक दैट। हम काम से जाते हैं ना ये बात सुन के, कि जब वो कहते हैं कि जो बच्चा आप हमें दे रहे हैं हमारा है कि नहीं, हम अगले को यही सुनाते हैं ना 10 बातें कि हाउ कैन यू जस्ट इवन इमेजिन कि वी आर नॉट गिविंग यू योर ओन चाइल्ड, बिकॉज देयर इज अ प्रॉपर सिस्टम इन द हॉस्पिटल। आप जिस मर्जी हॉस्पिटल में चले जाए ऐसे नहीं होता। सिमिलरली इन आईवीएफ सेंटर्स शायद उससे भी ज्यादा प्रॉपर सिस्टम सेट है, राइट? सो आप उसी तरह उसी के लेवल पे आके बात करते हो पेशेंट के, कि आप कहते हो कि दिस इज नंबर वन, दिस इज इम्पॉसिबल। ये नहीं कि किस आप वहां पे के आईवीएफ स्पेशलिस्ट बन के ही बात कर रहे हो, ये नहीं कहना कि हर जिस भी सेंटर से कराएंगे, आपने ये कहना है कि मैं हमारा सिस्टम सेट है, राइट? आपने कहना है कि देर इज अ प्रॉपर सिस्टम सेट इन एवरी आईवीएफ सेंटर। वो उसको आईवीएफ का लाइसेंस ही नहीं मिला जब तक कि ये सिस्टम नहीं बना हुआ। एक्सक्यूज मी। सो एवरी यू नो सेमन टेस्ट विच इज डन, एवरी स्पर्म विच इज अवेलेबल, एवरी एम्ब्रियो, एवरी थिंग इज प्रॉपरली लेबल्ड एंड मिक्सिंग इज नियरली इम्पॉसिबल। हाउ एवर इट्स अ वर्ल्ड, ऑब्वियसली देर इज ऑब्वियसली 100% तो कोई इंसान नहीं है, कोई लैब नहीं है, कोई साइंस नहीं है। अगर इन सब के बाद भी आपको कोई खुद से खदशा हो तो यू कैन गो एंड गेट द डीएनए टेस्ट फॉर योर ओन कंफर्मेशन डन। वी डोंट नीड टू गेट इट डन बिकॉज वी नो आर सिस्टम्स, ठीक है? सो ओके मैम, आप मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन लाइक पीजीडी, मतलब प्री गेस्टेशनल डीएनए टेस्टिंग, ये सब नहीं बोलना है? नहीं बहुत बाद में जाके ना देखो, अब पीजीटी और उन चीजों की तो प्रॉपर इंडिकेशंस होती है ना, जहां इंडिकेशन प्रॉपर आ गई वहां तो आप ऑफर कर ही रहे हो। लेकिन इस किस्म के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपने उसको कॉन्फिडेंस, सब जब तक वो साइकोलॉजिकली कॉन्फिडेंस नहीं, आप उसको ये काउंसलिंग है ना, ये आपने उसको उसके माइंड के मुताबिक उसको सेटिस्फाई करना है। और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू। हम ये तो नहीं कहते कि हम डीएनए टेस्टिंग करके देते हैं बच्चा, हर एक के करने लग गए तो खर्चा और बढ़ गया। तो हम तो ये कहते हैं कि वी डो हमारा तो इतना अच्छा सिस्टम सेट है कि वी नो कि वी डोंट नीड टू गेट द डीएनए। हमारा लेबर रूम में इतना अच्छा सिस्टम सेट है कि हमें पता है कि किसका किसका बच्चा है। ऐसे थोड़ी होता है कि क्या इट इज नियर, इट इज वी ऑल नो इट इज इम्पॉसिबल, चाहे कुछ भी हो जाए। सो आपने उसको भी इसी तरह कहना है कि इट इज इम्पॉसिबल इन इन आवर सेंटर। हमारे सिस्टम सेट है, आप आके राउंड करेंगे, व्हेन वी विल स्टार्ट ऑफ द आईवीएफ वी विल शो यू ऑल द सिस्टम्स, हम आपकी तसल्ली कराएंगे। जब तक आपकी तसल्ली नहीं होगी तब तक ये सिस्टम आगे नहीं चलेगा। वी डू प्रॉपर लेबलिंग, वी पुट एवरीथिंग इन सेपरेट कंटेनर्स, हमारी हर चीज डिफरेंट, हमारे टाइमिंग्स डिफरेंट है आईवीएफ के, जिसका एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियो इम्प्लांट हो रहा है, उसका दिन अलग है, उसका टाइमिंग अलग है। इवन आफ्टर ऑल द विजिट, ऑल ऑल द काउंसलिंग, अगर आपको कुछ खदशा रह जाता है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप अपनी तरफ से जाके, इफ यू वांट टू चैलेंज अस लेटर ऑन वी आर रेडी टू टेक द चैलेंज। हम तो एडवाइस नहीं कर रहे कि आप डीएनए टेस्टिंग करें बिकॉज वी नो वी डोंट नीड टू गेट इट डन। आपने अपनी तसल्ली बहुत करनी हो तो लेटर ऑन आप बाहर जाके खुद करा लें, कभी कोई डीएनए टेस्ट में मसला हो तो आ जाइएगा वापस, वहां होगा नहीं। इसलिए हम वी डोंट, मतलब उसको इतना कॉन्फिडेंस दो कि उसे जरूरत ही नहीं है। ऐसे नहीं होता, आज तक कभी किसी ने बात की लेबर रूम में कि वट एवर जो भी चाइल्ड किसी भी हॉस्पिटल में, बिकॉज ऐसे प्रॉपर सिस्टम सेट है इस चीज के तो। ठीक सही, ठीक है मैम, थैंक यू। है, वेलकम जी। ठीक है, और कोई बात, कोई एक्सपीरियंस दे तो? बड़े अच्छे सवाल हुए हैं वैसे एग्जाम में जी। कोई और कमेंट मैम ये अल्ट्रासाउंड लेटर? को जो हम लोग देखते हैं, फॉर प्रेगनेंसी और सर्वाइकल प्रेगनेंसी, तो इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? अगर हमारे सामने कोई स्कैन रख दिया जाए और हमसे ये पूछा जाए कि आप ये बताएं, ये सर्वाइकल प्रेगनेंसी है या फॉर प्रेगनेंसी है, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? फॉर सर्वाइकल या कौन सी प्रेगनेंसी एबॉर्शन की तरफ जा फॉर रहा है, देखो। हाँ, फॉर प्रेगनेंसी एबॉर्शन हो रहा है, मिसकैरेज, मिसकैरेज की तरफ जा रहा है। मिसकैरेज या सर्वाइकल, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो दो तीन चीजें मैं बार बार बताई, मैंने पिछले इसमें बोला है इसका एक टॉपिक के वक्त, दो तीन चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि सिनेरियो में से की पॉइंट्स पिक करना,
दूसरा चीज ये कि फॉर एग्जाम्पल दे गिव यू, देखो बात ये कि वी आर नॉट अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट, इफ यू मिस अ डायग्नोसिस ऑन अल्ट्रासाउंड दैट दिस इज नॉट गोइंग टू बी योर फॉल्ट एट ऑल, उसके ऊपर आप फेल नहीं होगे, लेकिन इफ यू मिस द की पॉइंट्स इन द हिस्ट्री और सिनेरियो, आपके दिमाग में डीडी नहीं बना हुआ टीवीएस देखने से पहले, तो फिर यू कैनॉट पास, राइट? सो सर्वाइकल एक टॉपिक ही पिक कर लेना, एक अच्छे वाले सोनोलॉजिस्ट से पिक नहीं होता तो हमसे किधर से पिक होना है, मतलब हम वी आर नॉट द सोनोलॉजिस्ट, हमारा तो एक्सपीरियंस ही नहीं है अल्ट्रासाउंड पे, तो इट्स ओके अगर आपसे नहीं भी पिक हुआ, या आपसे आपको वो, कई दफा कितने सोनोलॉजिस्ट होते हैं जो सर्वाइकल एक्टोपिक को ब्लड क्लॉट समझते हैं या ब्लड क्लॉट को सर्वाइकल एक्टोपिक दे देते हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। आपने अगर सिनेरियो में की पॉइंट्स मिस नहीं किए, आपके डीडी में वो चीज एडेड है, एंड इफ यू फील लाइक देर इज समथिंग इन द सर्विक्स ऑन अल्ट्रासाउंड, आप एग्जामिनर से कह सकते हो कि आई कैन सी समथिंग इन द सर्विक्स, एंडोमेट्रियम इज एम्प्टी, दिस कैन बी बिकॉज दिस कैन बी अ क्लॉट कमिंग आउट फ्रॉम द सर्विक्स, और दिस कैन बी द सर्वाइकल एक्टोपिक, आई वुड लाइक टू गेट इट रिव्यूड बाय द सोनोलॉजिस्ट, तो भी ठीक है। अगर आपको सर्विक्स में कुछ भी नजर नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, आप अपने बाकी रिपोर्ट्स और बाकी से बात करो, और फॉर्म मुझे सोनोलॉजिस्ट कंफर्म करेगा क्या है, ठीक है? तो इट्स ऑल अबाउट योर अप्रोच। ठीक है मैम, जी नारीन ने कुछ कहना है? एक अस्सलाम वालेकुम जी। क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, यूट्राइन परफोरेशन का ना सिनेरियो रखा हुआ था कि सक्शन कैथेटर से जो है ना वो ड्यूरिंग द डीएनसी जो है ना वो हो गया है, यूट्राइन परफोरेशन हो गई है। तो अब आपने क्या इमीडिएट मेजर्स करने हो, ये सब कुछ ना, तो सब कुछ करने के बाद में उन्होंने कहा था कि अब जो मतलब आरपीओसीज रह गए हैं, तो अब ये बताएं कि आज आप इसको किस तरीके से रिमूव करोगे या इसको छोड़ दोगे, क्या करोगे ना। तो मतलब हम लोगों ने ये कहा था कि अगर जो है वो कितना ज्यादा है, तो मतलब अगर वो कंजर्वेटिवली मैनेज हो रही है तो फिर क्या करोगे, या अगर लेप्रोटमी कर दी है तो फिर क्या करोगे। तो लेप्रोटमी कर दी है तो फिर तो हम ऊपर से मतलब यूट्रस, लेप्रोटमी कर दी है तो यूट्रस से हम निकाल लेंगे, तो उसका इसका क्या होगा, इसका आंसर मतलब सेटिस्फाइड नहीं थी वो किसी भी आंसर से ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो ये कि मैडम जी ये सजेस्ट, क्वेश्चन जो है ना एमआरसीओ जी बुक का क्वेश्चन है, पूरा का पूरा वो ही उन्होंने डिटो दिया हुआ चलो था, भाई और मुझे उसमें ये था बताओ कि उसमें क्या लिखा है। लेप्रोस्कोपिकली आप उसको जब ट्रीट कर रहे होंगे ना, तो अंडर डायरेक्ट विजन आप उसकी ना वो कर लेंगे, मतलब मैं एम्प्टी बताती कर हूँ, देंगे जी, आई विल रिमूव टेल कर यू देंगे। दो तीन चीजें, दो तीन चीजें। एक चीज तो ये है कि आपकी परफोरेशन होगी है ब्लाइंड टीएनसी में, वही रुक जाओ, ज्यादा करोगे तो घट भी खींच लोगे, स्टॉप देयर एंड देन ऑब्जर्व फॉर ब्लीडिंग, गेट यू कैन गेट द अल्ट्रासाउंड डन इन द थिएटर टू रीकंफर्म इफ पीओसीज हैव बीन रिमूव्ड और नॉट। अगर तो आपको लगता है यूट्रस एम्प्टी हो गई है, परफोरेशन है, अल्लाह अल्लाह खैर सला, वो तो काम खत्म, ब्लीडिंग नहीं हो रही पेशेंट वापस, अगर पीओसीज ज्यादा है, यू नो ऑब्वियसली 3 सेंटीमीटर से कम है आपको स्कैन पे लगता है, फिर तो आप उसको कुछ भी ना करो, कंजर्वेटिवली कर लो, बाकी बाद में वो निकल आएंगे। लेकिन अगर पीओसी ज्यादा है, नाउ यू हैव डन द इंटरवेंशन, ये कल को सेप्टिक ना हो जाए, तो सबसे अच्छा तरीका बिल्कुल जैसे भी एक डॉक्टर ने हमें एमआरसीजी वाला कहा, उसमें आप ऊपर से टेलीस्कोप डालते हो लेप्रोस्कोपिकली, और आप देख रहे, एक बंदा कैमरे से देख रहा होता है, और नीचे से आप डीएनसी कर रहे होते हो परफोरेशन से दूर रहते हुए, बहुत अच्छी हो जाती है इवैक्यूएशन। और दूसरी एक और ऑप्शन भी है, लेकिन मैं अब आप लोगों से तो नहीं, ना करना वो, ना मेंशन करना वो, बहुत आगे की है, उस पर फेल ही ना कोई कर दे, लेकिन उसके अंदर आप हिस्ट्रोस्कोपिकली भी कर लेते हो अंडर विजन। अब दैट्स अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल से थिंग दैट आई हैव सेड, पीपल्स विल से कि परफोरेशन होगी अंदर डिस्टेंशन नहीं होगी तो पीओसीज, बट ये एक थोड़ा सा उससे अगला लेवल है स्केल का, जिसमें आप परफोरेशन से बचते हुए पीओसीज निकाल सकते हैं, इस चीज को रहने दो, हिस्ट्रोस्कोपी वाली बात को, आप लेप्रोस्कोप डालो और नीचे से अंडर विजन, यानी ऊपर से आपको यूट्रस देख रहा है और नीचे से आपका जो है एक बंदा डीएनसी कर रहा है, और ऊपर से वो देख रहे हैं कि परफोरेशन से आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो तो नहीं निकल रहा, और बाकी की यूट्रस आप एम्प्टी कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो जी जी, जी जी कह रहे हैं, हेलो जी। मैम अनमेरिड गर्ल है, 3.8 सेंटीमीटर का सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड, और शी ब्लीड्स हैविली, उसका एच बी सॉरी फाइव एक बात कर रही हूँ मैं, सॉरी एक बात, अभी पिछले सिनेरियो में किसी ने लिखा है चैट पे कि शी वाज अनस्टेबल, लिप्रोटमी करनी थी, यानी कि जो हम परफोरेशन वाली बात कर रहे हैं, पेशेंट वाज अनस्टेबल, देखो नहीं, मैं इसमें लिप्रोटमी नहीं कहूंगी,
ठीक है ना, देखो मेरी बात सुनो. व्हाई वाज शी अनस्टेबल? शी वाज अनस्टेबल बिकॉज डीएनसी आधी हुई है, ब्लीडिंग हो रही होगी ना, इनकम्प्लीट मिसकैरेज हो गया, परफोरेशन हो गई, मे बी परफोरेशन इज नॉट ब्लीडिंग, नीचे से इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट मिसकैरेज है, क्लॉट्स की वो आपियोसिस की वजह से शी इज ब्लीडिंग. आप फटाफट स्कोप डालोगे, देख रहे हो कि आपकी परफोरेशन वाली चीज ने ब्लीड नहीं किया, तो आप फिर भी लेप्रोस्कोपिकली अंडर विजन ईपीओसीज रिमूव करोगे. लेप्रोटमी इज अ वेरी बिग थिंग एंड मे बी द लास्ट थिंग टू डू इन अ पेशेंट हु हैड परफोरेशन बिकॉज ऑफ सक्शन. सक्शन कैनाला आर नॉट वेरी बिग, मोस्टली सक्शन कैनाला से जो परफोरेशन होती है वेरी रेयरली लीड्स टू दैट एक्सटेंट के पेशेंट अनस्टेबल हो जाए. अगर परफोरेशन के फौरन बाद वो अनस्टेबल है, इसका मतलब है वो पीओसीज की वजह से अनस्टेबल है, क्योंकि वो ब्लीड वजाइनली ब्लीड कर रही है, क्योंकि अभी वो इनकम्प्लीट मिसकैरेज है. पुट इन अ टेलीस्कोप, हैव अ व्यू ऑफ द यूट्रस, कीप अ यू नो कीप एन आई ऑन द परफोरेशन साइट एंड आस्क अनदर पर्सन टू डू इवैक्यूएशन फ्रॉम फ्रॉम बिलो. सो दिस इज हाउ यू डू इट. आप लेप्रोटॉमी नहीं फौरन उसका कर दोगे, ठीक है, इवन यार घर से, सुबह नहीं बंद हो रहा, मैं खुद बना लूंगी पराठा। ठीक है. सो दिस इज हाउ यू डू इट. सॉरी, एक्सक्यूज मी, प्रेस कर दिया. ऑल राइट. सो जी, और कोई अभी कोई क्वेश्चन आप कर रहे थे मेरे से, हमने तो यही बटन देखते प्रेस हैं हो गया. कि लेप्रोट अनस्टेबल पेशेंट, उसकी लेप्रोटमी की जाती है, परफोरेशन हो गई है ड्यूरिंग डीएनसी, अब देन अगेन इट तो डिपेंड्स ऑन द फैसिलिटीज यू हैव एंड द स्किल्स, क्योंकि वही बात है कि आप लेप्रोटमी कर दो या पहले टेलीस्कोप डाल के देखो, लेकिन ऑब्वियसली ऑलवेज बेटर इज टू पुट इन अ टेलीस्कोप एंड देन डू एनीथिंग एल्स. मैडम इसमें लेप्रोटमी जो थी ना, वो उसमें जो सिनेरियो था उसमें ये लिखा हुआ था कि जो एमआरसी जी बुक का मैं आपको बता रही हूँ कि लेप्रोटमी आपने तब करनी है जब अनेबल टू रिपेयर विद द लेप्रोस्कोपी, मतलब इतना है तो तब आपने करनी यानी है, कि वो जब अदरवाइज परफोरेशन का अनस्टेबल है। सुराख है उसे रिपेयर करना है, अवल वो अवल तो वो भी लेप्रोस्कोपिकली हो जाता है, लेकिन चलो अगर आपके पास नहीं वो फैसिलिटीज या वो वाला स्किल का हिसाब कि आपका लेप्रोस्कोपिकली वो रिपेयर हो सके, तो फिर आप ओपन करोगे. सक्शन इवैक्यूएशन के लिए ओपन करके नहीं करोगे, समझ आ रही है ना? पीओसीज यूट्रस के अंदर है और आपका परफोरेशन वाला स्कार जो है वो ब्लीड नहीं कर रहा, और आपने रिमेनिंग पीओसीज निकालने हैं, उसके लिए आप टेलीस्कोप डालोगे, यूट्रस पे नजर रखोगे और नीचे से डीएनसी करोगे, राइट? खामोशी हो गई है, सॉरी. हेलो जी ठीक है, अच्छा चलो, अभी कोई और क्वेश्चन कर रहा था वो भी करने. जी मैं पूछ रही थी मैम, मैं ये पूछ रही थी कि एक पेशेंट है 3.8 सेंटीमीटर का सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड है, अनमेरिड गर्ल, तो मैम इसको हम वजाइनली हिस्टेरोस्कोपिकली स्टेथोस्कोप से आप उसे काउंसल करोगे ना, आप उसे कहोगे कि बेस्ट ऑप्शन इज अंडर विजन थ्रू रिसेप्टोस्कोप, एंड उससे ये होगा कि उसकी यूट्रस ओपन नहीं होगी, एब्डोमेन ही ओपन होगा, लेकिन अगेन उसे हाइमन वाली बात बता दो, बट डेफिनेटली नंबर वन ऑप्शन इज वजाइनली. नंबर टू इज इवन इफ शी सेज कि नो आई डोंट वांट टू गेट एनी वजाइनल मैनिपुलेशन डन एज आई एम अनमैरिड, देन यू डू इट. फिर ऊपर से मिनी लेप्रोटॉमी कर. लेप्रोटमी से या मैम लेप्रोस्कोपिकली? सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड कैन बी रिमूव्ड थ्रू विद द हेल्प ऑफ अ लेप्रोस्कोप आल्सो, बट उसके अंदर रिपेयर उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी ओपन करके. उसकी वजह यह है कि आपने एंडोमेट्रियम को अलग स्टिच करना है, आपने पूरी मेट्रियम को स्टिच करना है और सरोजा को, एंड यू वांट सच गुड रिपेयर के कल को वो प्रेग्नेंट हो तो उसकी रपच्चर ना हो. सो 3.8 सेंटीमीटर फाइब्रॉइड, यस इट कैन बी रिमूव विद अ लेप्रोस्कोप ऑल्सो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर उसके स्किल्स आप वो करने पड़ेंगे कि आपकी रिपेयर उसमें, तो यू कैन जस्टिफाई मिनी लेप्रोटमी बेटर इन दिस केस देन अ लेप्रोस्कोप, बिकॉज उसके अंदर आपकी रिपेयर ऐसी होगी कि आगे परफोरेशन नहीं होगी. दिस इज एक्चुअली द डिफरेंस ऑफ मायोमेक्टमी बीइंग डन बाय अ सर्जन और बाय अ गायनेकोलॉजिस्ट, दे डोंट नो द रिपेयर ऑफ, उनकी वो ट्रेनिंग नहीं है एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम से रोजा वाली. और फिर वही बात है कि अबल तो प्रेगनेंसी नहीं होती, अगर प्रेगनेंसी हो वी सी पेशेंट्स हु गेट रप्चर्ड एट 20 वीक्स ऑल्सो, जब हमारे पास 20 वीक्स पे रप्चर से आते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ मायोमा निकाल देना नहीं है, उसके बाद उसकी फ्यूचर फर्टिलिटी और उसका सारा फ्यूचर प्रेगनेंसीज आर इम्पोर्टेंट. जी थैंक यू।
अच्छा अच्छा और इट्स ऑलवेज बेटर, सॉरी, इफ यू टॉक इन द सेम वे इन एग्जाम, ताकि पता चलता है कि आप एक पेशेंट को सिर्फ उस एक चीज पे नहीं, यू आर लुकिंग एट द होल लाइफ दैट शी विल हैव आफ्टर शी हैज यू नो मेट यू, और शी हैड सर्जरी, और शी हैज बीन ट्रीटेड बाय यू, उसके बाद जो उसकी पूरी जिंदगी है, यू लुकिंग एट दैट कि उसका क्या इफेक्ट आ रहा है. सो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू इन द एग्जाम ऑल्सो. जी कार्या. जी सही। अच्छा मैम, मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था उसमें मेटरनल रिससिटेशन वाले सिनेरियो में, कि अगर आपकी पेशेंट की डेथ हो जाती है तो हाउ विल यू डिस्क्लोज दिस सिचुएशन टू द अटेंडेंट. फिर क्या कहा? मैंने ये बताया कि आई विल टेल देम इन एम्पैथेटिकल वे एंड नहीं देखो, बात ये दो चीजें अब इस सिनेरियो में है. एक, मेटर्नल रिससिटेशन हो रही थी, यानी पेशेंट जिंदा हालत में थी आपके पास आई. दे ब्रॉट पेशेंट टू यू व्हेन शी वाज अलाइव एंड नाउ शी हैज डाइड एंड नाउ यू हैव टू कम आउट एंड डिक्लेयर द न्यूज. दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन इन एग्जाम एंड इन यू नो इन इन द रियल लाइफ ऑल्सो. सो रियल लाइफ में क्या करना है, अगर पेशेंट रिससिटेशन में आई है और उसकी डेथ हो गई है, तो आपने एकदम से जाके बैड न्यूज नहीं ब्रेक करनी होती. आपने एकदम से जाके नहीं कहना कि योर पेशेंट हैज डाइड. आपने पहले जाके कहना होता है कि पेशेंट इज इन सीरियस कंडीशन, वी आर ट्राइंग आर बेस्ट, लेट सी, हमारी पूरी टीमें आ गई हैं, हमारी बेशक अंदर डेथ हो गई है, वेरी फ्रेंकली. आप एकदम से जाके डिक्लेयर करोगे, वो तो आपको पकड़ के आपको मार देंगे. आपने पहले जाके उन्हें अभी इस, ये तो सिनेरियो आसान इसलिए क्योंकि इसमें उन्होंने रिससिटेशन का आपको टाइम दिया है. उन्होंने कहा है कि यू आर डूइंग रिससिटेशन एंड नाउ शी हैज डाइड. तो ड्यूरिंग रिससिटेशन इफ यू डोंट हैव टाइम, यू हैव पीपल अराउंड, कोई ना कोई हॉस्पिटल का बंदा जाके बताता जाए, हर 5 मिनट बाद बताए, पेशेंट इज सीरियस, वी आर डूइंग आर बेस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट इज हेयर, इंटरवेंशन वाली टीम, इंटेंसिव केयर वाली टीम इज हेयर, एनेस्थेटिस्ट आर हेयर, गायनाकोलॉजिस्ट आर देयर, वी ऑल आर वर्किंग आर बेस्ट एटसेट्रा. 5 मिनट बाद फिर शी इज नॉट इम्प्रूविंग, फिर 5 मिनट बाद शी इज डिटेरिटेटिंग एंड इवेंचुअली मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं. ठीक है, अब अटेंडेंट सारे प्रिपेयर्ड है, नाउ यू गो आउट, फिर बेशक कहो कि एम्पैथेटिक अप्रोच करूंगी एंड देन विल डिक्लेयर द बेड. एकदम से जाके बोलोगे ना कि एम्पैथेटिक अप्रोच एंड विल डिक्लेयर इट इन दिस वे, तो फिर तो ना रियल जिंदगी में भी पास नहीं होगे और एग्जाम में भी कैसे पास होगे. तो आपने एग्जाम में भी इसी तरह कहना है कि पेशेंट की रिससिटेशन डज नॉट ओनली मीन रिससिटेशन, ड्यूरिंग रिससिटेशन आई विल कीप ऑन सेंडिंग सम ऑथेंटिक पर्सन टू टेल और टू अपडेट द अटेंडेंट्स अबाउट द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट, शी इज नॉट वेल. ठीक है ना? ओके और मैम, स्टेशन पे क्या हुआ था? जी ठीक है. सो दिस इज हाउ यू डू इट, उसमें एकदम से मैम नहीं जाके इंसिडेंट डेवरिंग. रिपोर्टिंग का भी पूछा था, मतलब मैटरनल रिससिटेशन के सिनेरियो के साथ 4-5 सवाल और थे, और उसमें उन्होंने मुझसे, और मैंने इस सिनेरियो में ये भी बोला कि आई विल डू इंसिडेंट रिपोर्टिंग. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, हाउ विल यू डू इंसिडेंट रिपोर्टिंग वेरी गुड, फिर तो आपने बड़ा अच्छा बोला बीच पे. मैम, फिर टाइम खत्म हो गया. नहीं बस ये वही बात, देखो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बट दीज ऑल ये जो सारी चीजें ना, ये बहुत आपकी एक्सपीरियंसेस पे है. आई नो आईवीएफ का आप लोगों का एक्सपीरियंस नहीं होता, यू डोंट गो थ्रू द आईवीएफ लैब्स बिफोर योर एफसीपीएस, इसलिए आप लोगों को नहीं पता होता कि, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, वी ऑल नो एज डॉक्टर्स एंड गायनोकोलॉजिस्ट के, इवन मूवीज में भी बच्चे नहीं बदले जाते, यू नो वो भी एक फिक्शनल सी बात लगती है. तो इसी तरह इसी बात पे, इसी स्टैंड पे आप रहो वहां एग्जाम में भी, कि इट्स इम्पॉसिबल एंड दिस इज हाउ, आपकी बातों में इतना असर होना चाहिए कि डीएनए टेस्टिंग तो बहुत दूर की बात. ठीक है, तो सिमिलरली हमें पता है कि ये तो खैर खुदा ना खास्ता मोर्टेलिटी से तो हम गुजरते ही हैं ड्यूरिंग आर ट्रेनिंग, विच इज अ वेरी वेरी, कई दफा ब्लड रिएक्शन से हो जाती है, कई दफा एम्बोलिज्म से हो जाती है थिएटर के अंदर, बट देन जब सीपीआर स्टार्ट ही होता है उसी वक्त आपने जाके कैंडिडेट वो उसके अटेंडेंट्स को प्रिपेयर करना शुरू कर देना होता है कि समथिंग बैड इज नाउ हैपनिंग, सो गेट प्रिपेयर्ड. फिर 5 मिनट बाद जाके मजीद बुरा हो रहा है, दुआ करें. फिर 5 मिनट बाद जाके और टीम आ गई है हमारी, ताकि अटेंडेंट्स को पता हो कि आप लोग पूरी एफर्ट कर रहे हैं इन वॉट इज गोइंग ऑन, तो वो सब चीजें. और तो आपने वो करना है इसी तरह. तो ये सारे जो क्वेश्चंस आप बता रहे हो, ये वो चीजें हैं जब तक आप उस कंडीशन से गुजरे ना हो. तो जब आप उस कंडीशन से, अल्लाह ना करे गुजरो, लेकिन गुजरते तो हुई, तो जब गुजरो तो तब
भी नोट करो कि आपके इर्द गिर्द या आपके सीनियर्स, बिकॉज ऑब्वियसली इस तरह के तो लोग सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स ही डील कर रहे होते हैं, तो व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट्स देयर अप्रोच, व्हाट उसमें क्या हो रहा है, क्या कोई भी जाके डेथ डिक्लेयर कर रहा है या पूरी टीम के साथ जाके डेथ डिक्लेयर कर रहा है, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व हुआ है, हर बंदा जो इन्वॉल्व है उसकी इंसिडेंट रिपोर्टिंग कैसे हो रही है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे हो रही है, ये चीजें तो आपकी ट्रेनिंग, जितनी ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है ये चीजें भी उतनी इंपॉर्टेंट है, काउंसलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इंसिडेंट रिपोर्टिंग, उसकी वजह ये है कि ये अगर इस अगर ट्रेनिंग कर जाओगे लेकिन कल खुदा ना खास्ता लीगल मसलों में फंस जाओगे तो फिर ट्रेनिंग का क्या फायदा रह गया, तो यू नीड, यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स इक्वली, तो ये उतना इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, सो गुड, सो वेरी गुड, बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोगों ने क्वेश्चंस बताए, नेक्स्ट टाइम वील डू स्कार एक टॉपिक और जैनब वाला सिनेरियो, सो रूसा और जैनब आप लोग ये सिनेरियो, मैं आज ही खोल देती हूँ चैट, उसके ऊपर आप ना ग्रुप के ऊपर प्लीज ये भेज देना, सो वी विल हैव अ क्लास ऑन दीज टू टॉपिक्स और फिर इंशाल्लाह हम जी आगे मैडम, करते हैं, ठीक है, सो जी थैंक जी यू, किसी ने मैडम, कोई और कमेंट करना है तो आप बताओ तो हम फिर करते हैं, कोई कमेंट करना है सो विल फिर इंशाल्लाह वी लेन द क्लास और फिर नेक्स्ट संडे को मिलेंगे, नेक्स्ट संडे ये 10 से 11 ही होती है क्लास, सैटरडे नाइट तक मैं अपडेट कर देती हूँ टॉपिक्स, मैंने आपको आज ही बता दिए हैं, और इट विल बी ग्रेट अगर आप लोग जितना, आई रियली लाइक दैट, जितने नए भी कैंडिडेट्स हैं मैं बता रही हूँ, वो सब लोग पास हुए हैं जो बोलते थे, जो केसेस प्रेजेंट करते थे आप लोग, मतलब वो सब, उन सब नामों से मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि उन सब नामों ने मुझे बाद में इंडिविजुअली मैसेजेस भी किए, बिकॉज वो सब लड़कियों को मैं जान चुकी थी, बिकॉज दे यूज टू पार्टिसिपेट अलॉट एंड दे हैड यू नो उन्होंने मेरे से बहुत डांटे खाई आप लोग मेरी पिछली रिकॉर्डिंग्स भी देखोगे कि जब नहीं सही बात होती है उसको मैं बड़ा क्लैरिटी से बताती हूँ, कि इसलिए बताती हूँ कि आपको एग्जाम में भी जाके मेरी शायद आवाज ही आ जाए कि ये ना बोलना वरना पास नहीं होगे, राइट, सो मैं, सो इट विल गो एग्जैक्टली द सेम वे, बट आई एम टेलिंग यू जितना आप लोग पार्टिसिपेट करोगे, जितना बोलोगे, आई रियली लाइक इट जो आप लोग सिनेरियोस लेके आए हो, इस एग्जाम में फेल होना कोई बुरी बात या शर्म की बात नहीं है, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग, यही चीजें आप लोग कल को क्लिनिक पे फेस करोगे, और ये तो आप लोग को ट्रेन करने का एक तरीका है जी, सुनीता क्विकली, सुनीता ने हैंड रेज किया था जी, मैम मुझे भी डिस्कस करना था अपना एक स्टेशन, तो इसीलिए मैंने हैंड रेस कर लें आप किया जल्दी से, चले लास्ट सिनेरियो एंड देन इंशाल्लाह जी सुनाए जी सुनता, था। हाँ मैम, मेरा जैसे HRT पे जो स्टेशन था उसमें मतलब 51 ईयर ओल्ड पेशेंट थी, और 18 ईयर से शी वॉज विडो एंड नाउ शी वॉन्ट टू डू द सेकेंड मैरिज, और हाइपरटेंसिव भी थी, डायबिटीज भी थी, और उसने लाइपोसेक्शन भी करवाया हुआ था, और अभी उसका 28 का BMI था पेशेंट का। ठीक है, तो मैंने जब जैसे हिस्ट्री को भी दी, और मतलब सर्जिकल हिस्ट्री सब कुछ ले लिया, और उसमें लैब्स वगैरह जो भी मैं मांगती गई तो मुझे एग्जामिनर देते गए कि भाई ये ना BMI 28 है और बाकी लैब सही है, पैप्समीयर सही है, मेमोग्राम सही है, इसका बेसलाइन CBC भी मांग ली थी, लिपिड प्रोफाइल वो मांग लिया था मैंने। फिर जैसे काउंसलिंग पे मैं आई तो मैंने कहा पहले लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन आपको करनी होगी, जैसे आपको अपना वेट लूज करना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी, और स्ट्रेस इस फ्री अपने बारे आप। में वो पेशेंट आई क्यों है आपके पास, शी इज 51, शी इज पोस्ट मेनोपॉजल, शी इज विडो फॉर मेनी मेनी इयर्स, मींस शी इज नॉट सेक्सुअली एक्टिव फॉर मेनी मेनी इयर्स, नाउ शी वांट्स टू गेट मैरिड अगेन, हाँ एंड इसमें हॉट वो सेक्स चाहती और क्या है, वो चाहती है कि शी इज गोइंग टू गेट मैरिड अगेन, नाउ शी इज मेनोपॉजल, इसकी वजाइनल एट्रोफी हुई होगी, जी और जी यू नो शी वांट्स टू हैव अ गुड नॉर्मल मैरिड लाइफ रिगार्डिंग द सेक्सुअल रिलेशनशिप, जी और नंबर हॉट इसमें आपकी भी लाइफ करते हैं। स्टाइल तो है ही, बट जो अगर शॉर्ट स्टेशन में बात की जाए तो शी वांट्स गुड वजाइनल हेल्थ, वेजाइनल ड्राइनेस का था मैडम ये, एक्चुअली ये सारा हाँ डिस्पेरोनिया का आप मसला था। एग्जैक्टली, ये तो स्टेशन ही डिस्पेरोनिया, आपने मुझे तीन बात, देखो मैडम मैंने इसमें भी सिर्फ की पॉइंट्स हॉट पकड़े, इसमें फ्लैशेस, मैंने मैडम हॉट पकड़ा फ्लैशेस, कि वो हॉट फ्लैशेस की भी कंप्लेन कर रही थी कि यूरिनरी कंप्लेन्स भी हैं, हॉट फ्लैशेस सेकेंडरी भी। कंप्लेंट्स हैं, देखो जब उन्होंने मेंशन कर जी दिया कि पेशेंट मेनोपॉजल है, बेशक वो उसकी जितनी मर्जी कोमॉर्बिडिटीज है, शी इज ओके मेनोपॉजल, शी इज विडो फॉर सो मेनी इयर्स, नाउ शी वाज गेटिंग मैरिड, इसका मतलब ये है कि नाउ शी इज एंशियस अबाउट हर वजाइनल हेल्थ एंड दैट्स व्हाई शी इज हियर फॉर इन फ्रंट ऑफ यू, राइट,
तो अब इसके अंदर नो डाउट हॉट फ्लैशेस की बात करनी है, लाइफस्टाइल की बात करनी है, लेकिन आपने एग्जामिनर को बताना है कि आपने पिक कर लिया, आपने एक क्लिनिक पे, तो आपने एग्जाम में भी बताना है, क्लिनिक पे पेशेंट को वही बता देना है कि आई नो एग्जैक्टली व्हाट मेड यू कम टू मी, पहले ये बात कर लो फिर, सो व्हाट मेड यू कम टू मी, और फिर उसके बाद आपने जो है ना जाकर वो करना है, और फिर बाकी की बातें दैट्स ऑल राइट। मैडम, जैसे मैंने उसे मतलब यही भी बोला था कि मैं क्रीम्स वगैरह दूंगी, फिर आप सेकंड मैरिज कर सकती हैं, हम आपको क्रीम्स देंगे, मतलब जेल्स वगैरह अप्लाई करने के लिए देंगे, तो ठीक है, उसपे, लेकिन बार बार कह रही थी मैं चाह रही हूँ मुझे कोई गोली दे दे, मुझे कोई गोली दे दे, तो उस वो तो आपको वक्त मतलब डिस्ट्रैक्ट करेंगे, गोली तो बहुत आगे की बात आती है, आप हॉट फ्लैशेस करो, आप लाइफस्टाइल करो, आप सोयाबीन डाइट एटसेट्रा एटसेट्रा, प्रिमरोज, वो सारा कुछ, वजाइनल हेल्थ के लिए भी टू स्टार्ट ऑफ यू कैन टेल लुब्रिकेंट्स, इफ शी इज ऑलरेडी मैरिड नाउ तो आप उसको लुब्रिकेंट्स एडवाइस करो एटसेट्रा एटसेट्रा, नहीं तो फिर लोकल वजाइनल क्रीम भी एडवाइस कर दो, वही काफी है, उसके उससे ज्यादा नहीं जरूरत किसी चीज को देने की इसमें। तो सही, एक्चुअली वो सेटिस्फाई नहीं हो जो रही थी अपनी मैंने, इश्यूज हैं वो लेकिन इसलिए मुझे नहीं हो रही सब थी क्योंकि आपकी अप्रोच, अब देखो जैसे ही मैंने सिनेरियो सुना, मुझे भी ये जो दूसरी डॉक्टर है उसने बताया भी नहीं था कि डिस्पेरोनिया का स्टेशन है, आपके की पॉइंट से ही मुझे समझ में आ गया कि ये किस चीज का स्टेशन है, व्हाई दे नीड टू मेंशन कि शी इज विडो फॉर 18 इयर्स, बिकॉज शी नीड दे नीड टू टेल यू दैट शी इज एक्चुअली इनएक्टिव फॉर सो मेनी इयर्स, नंबर टू शी इज मेनोपॉजल नाउ, नंबर थ्री शी इज गेटिंग मैरिड अगेन, तो समझ ही आ गया सिनेरियो कि पेशेंट आई क्यों है, राइट? जी मैम, लेकिन जैसे वो मैंने कहा पता नहीं HRT उसके लिए, जैसे जो उसकी कोमॉर्बिड थी, तो मींस हमें लोकल ओरल वजाइनल ओके एस्ट्रोजन क्रीम इज एडवाइजेबल, बाकी उसके लिए जैसे HRT फिर सेकंड लाइन ऑप्शन थी। मानती हूँ, और आप मैडम बहुत इस अच्छी हैं, मैं तो गुड मानती हूँ, जी एक्सपेक्टेशन पेशेंट से वेल एम्बल के जाएं एजुकेटेड थी मैडम इस सिनेरियो में, थी हमेशा वेल एजुकेटेड थी, और वो जो है एक्ट्रेस थी, शी सेड कि मैं जो है मेरे समझ सारे आ जो गई थी मुझे, लेबल शी थे गॉट आपको दूँ। लाइपोसक्शन डन, शी हर BMI 28, उसके लाइफस्टाइल आपके सिनेरियो से मुझे समझ आ गई थी कि वो एक वेल अवेयर पेशेंट है अबाउट हर हेल्थ, यस मैडम, और वो खुद कह रही थी कि माय ऑल स्क्रीनिंग हैज बीन डन एंड एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, लाइक माय ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल एंड आई हैड अ रेगुलर मेमोग्राम बिफोर एंड द शी एग्जामिनर वाज वाज पुशिंग टुवर्ड्स द दे वांटेड टू HRT। डिस्कस लोकल ईस्ट्रोजन क्रीम विद यू, उसकी डोज कितने महीने दोगे, क्या मॉनिटरिंग करोगे पेशेंट की, क्या काउंसलिंग करोगे साथ में, वहां तक बात जानी थी, असल तो ये था सारा स्टेशन। जी मैडम, इसमें हमने ऑप्शन दिए थे, हमने उसको लोकल वजाइनल क्रीम के ऑप्शन भी दिए थे, वो नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जामिनर कह रही थी, फिर मैंने तो उसको लोएस्ट ठीक है इफेक्टिव डोज फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए दिया था कि 3 मंथ्स के बाद ठीक आपके है, सिम्टम इम्प्रूव होंगे, फिर हम आपको एवेलुएट करेंगे, और शी वॉज गुड जस्ट मॉनिटरिंग, 15 ईयर, और फिर उसके ठीक है, बाद एवेलुएट करके फिर इफ यू नीड मोर तो उसके बाद हम वी विल डिस्कस फर्दर अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, बिल्कुल, बिकॉज द एग्जामिनर वॉन्ट टू नो डिफरेंट ऑप्शन, मेरे सिनेरियो में तो ऐसा था, बट आई डोंट नो अबाउट अदर स्टूडेंट्स। देखो द थिंग इज के आप लोग गायनी के अंदर रिमेम्बर, अब बहुत ज्यादा ट्रेंड आ गया हुआ है अबाउट द कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजी, अबाउट द वजाइनल हेल्थ, अबाउट मेनोपॉजल हेल्थ, ये बहुत अवेयरनेस है, इस पे एक पूरा स्टेशन भी हो सकता है, इसमें एक पढ़ी लिखी अवेयर औरत भी बैठ सकती है, यू नो पेशेंट बन बन के जिस तरह के ये है, तो यू नीड टू, आपको इस चीज का डॉक्टर भी बनना है, सो ये सारा भी आपको करके जाना है इस चीज को, ठीक है? रूसा ने हाथ खड़ा किया, जी क्विकली देन, बस ओके 2-3 मिनट्स नेक्स्ट, जी मैम, मैम आपने कहा ना नेक्स्ट सिनेरियो, तो वो कौन कौन से डिस्कस होंगे वो रिपीट कर दें। रुसा, एक आपने स्कार एक टॉपिक का जो एग्जाम में सिनेरियो था वो लिख के हमारे साथ शेयर कर देना, और एक जैनब, हमें जो आज जैनब ने अपना वाला सीए सर्विक्स का भी कहा था वो शेयर करते, तो वो भी डिस्कस नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, हाफ हाफ आर करके, ठीक है? ठीक है, सो आई होप ठीक है, सुनीता, आपको एक बात मैं बता दूं दोबारा से, एक तो आपने जब सिनेरियो पढ़ना है की पॉइंट पकड़ने हैं उसमें से कि सिनेरियो है किस चीज का, राइट? वो हिंट्स हैं आपके लिए कि आपने बात किस चीज पे करनी है, नंबर वन। नंबर टू ये कि फिर आपने, ठीक है बाकी एस्पेक्ट्स तो कवर करने हैं, बट फिर उस एक चीज को फोकस करके लेके चलना बहुत जरूरी है, ठीक है? आप जब वो चीज ही पिक कर लोगे ना सिनेरियो पे, योर अप्रोच टुवर्ड्स द पेशेंट, आधा पास तो आप वही हो गए, ठीक है? जी
यस मैम, थैंक यू मैम, ओके चलो इंशाल्लाह, सी यू ऑन सेकंड नेक्स्ट संडे दिन, गुड लक, थैंक यू, हाफिज़।